बहुत ही पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट, स्वीट, मधुर, केयरिंग बंदा था वो। उधर इरफान खान मुझे दिख गए, बढ़िया कोट पैंट टाइम में वो आ रहे हैं, निकल गए, तब से और मेरी हालत खराब हुई। हाथ पैर मेरे और फूलने लगे भाई साहब। बहुत मुश्किल सवाल, श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ जब मुझे KVC प्रोमो 2018 में काम करने का मौका मिला तो इतना बचपन से नाम सुन रहा हूँ उनका, इतना फिल्में देख रहा हूँ, इतना अच्छा काम देख रहा हूँ। मेंटल हेल्थ की भी खूब बात कर रहा हूँ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ खूब ही बहुत ज़रूरी है, तभी आप खुश रह पाओगे, तभी फिर आप अच्छा खासा मेरे बारे में पढ़ा है। फिर मैंने देखा मेरे सीनियर हैं FTI के जयदीप अलावत भाई से बातें कर रहे हैं, अक्षय कुमार सर के साथ में, तो वही है। तो छिछोरे ऐसी फिल्म है कि मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ कि वो मेरी अब तक की जितनी भी फिल्में हैं उनमें सबसे सफल फिल्म है, सक्सेसफुल फिल्म है। सर कैसा लगा ये? बहुत तगड़ा था, भयंकर था भाई, भयंकर था। ये इसने हिलाया है। कौन सा नंबर था ये? ये वाला सर, ये आठवां। आठवें ने हिलाया भाई। तो मैंने देखा बहुत केयरिंग थे वो, बहुत बहुत केयरिंग, बड़ी याद आती है उनकी कि फिर से मैं मिलूं उनसे, उनके साथ काम करूं। ये मिस करता हूं कि वो 40 दिन में मुझे उनके साथ, अगर मैं थोड़ा उठता भी तो मैं सो के उठता, जबान से ज्यादा पेट बोल रहा है। अब धीरे धीरे पेट के नीचे कुछ पेट वाला बता रहा है कि मिर्ची खा रहे हो क्या, तो ऐसे ऊपर से कुछ तो बोल रहा है। शाहरुख खान का रोमांस, शाहरुख खान जिस तरह करता है, सलमान, ये आमिर, ये सब लोग मुझे बहुत पसंद है। सर आप पावर ले सकते हैं। पानी लेता हूँ। हाँ व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू द लीन गाइस शो, माय नेम इज अमन एंड आज है हमारे साथ बॉलीवुड के जाने पहचाने चेहरे सहर्ष कुमार शुक्ला सर। इन्होंने बहुत सारी क्रिटिकली अक्लेम मूवी प्लस इन्होंने बहुत सारी कमर्शियल सक्सेस मूवी के में भी काम किया हुआ है, सच एज रईस, सच एज बच्चन पांडे, सच एज अगली एंड फोटोग्राफ। इन्होंने अपने वर्सेटाइल एक्टिंग से पूरे बॉलीवुड जगत में एकदम नाम और शाम कर दिया है और इन्होंने इस लेवल की एक्टिंग की है जिससे आपको उनका चेहरा तो बिल्कुल डेफिनेटली याद भी होगा, बट जो मूवी में इन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है दैट इज समथिंग बियॉन्ड एक्सेप्शनल। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम लेट्स वेलकम नन अदर देन सहर्ष कुमार शुक्ला सर। हाउ आर यू सर? अरे कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास सर। हमारा और आपके बीच का एक कॉमन कनेक्शन है, दैट इज लखनऊ। अरे वाह। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, आप भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े? जी जी जी। एंड भारतेंदु नाट अकेडमी में? यस यस। वहाँ से शायद आपने जर्नी शुरू की? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। थैंक यू सर। मतलब आपने अच्छा खासा मेरे बारे में पढ़ा है, रिसर्च वर्क किया है, थैंक यू सर। फर्राटेदार आपको याद है फिल्म में, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। सही, गेम शुरू करने से पहले एंड एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आप स्पाइस खाते हो, आप यूपी से हो तो आपका स्पाइस से ज़्यादा टच है? जी हाँ बिल्कुल है, बचपन से है। मैं मीठा भी खाता था। ओके। और तीखा चटपटा भी बहुत पसंद है। ओके। सो आज का मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कैसा है। तो हमारे पास 10 हॉट सॉसेज हैं स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, यहाँ से मिर्ची का लेवल बढ़ेगा और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट लेवल पे जाएगा। हमारे पास ये सारे हॉट सॉसेज हैं, एकदम रॉ फॉर्म ऑफ हॉट सॉसेज, बहुत तीखी रहेंगी। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 4000 लेवल, जो हम लोग घर पे खाते हैं, जो मिर्ची का एक स्केल होता है, तो जो हम घर पे मिर्चियाँ खाते हैं, जो सब्जियों में डालते हैं या फिर चिकन मटन वगैरह में डालते हैं, तो दैट इज़ अराउंड 3000 टू 5000 की रेंज पे। ये 3000 की रेंज से शुरू होता है एंड दिस इज 3,57,000 की रेंज। 3,57,000 की रेंज, 57,000 की रेंज पे है। मतलब ये क्या होता है इसमें? ये हॉट सॉस है, नॉर्मल हॉट सॉस है, बस तीखा का लेवल एकदम अलग लेवल पे पहुंच जाता है इसका। एंड हमारे पास तीन पावर है, पानी की पावर है, कोक की पावर है और मिल्क की पावर है। आप एक पावर इन द इंटायर एपिसोड सिर्फ एक ही बार ले सकते हैं। अगर आपने पानी ले लिया आप दोबारा पानी नहीं ले पाओगे, आपने कोक ले लिया तो आप दोबारा कोक नहीं ले पाओगे, एंड सिमिलरली फॉर मिल्क। तो हमारा फर्स्ट वन है नागिन इंडियन हॉट सॉस भुजलकिया, तो आपने खाया हो गया, आप इनमें से एक ले सकते हैं, हम इसमें डिप करके एक एक खाते हैं। आप एक ले लीजिए। जी इसमें डिप करते हैं। चीयर्स सर। टेस्ट अच्छा लगा वो। ओके, इसमें
जैसे आपकी रायबरेली से मुंबई की जर्नी में अभी तक आपको 14 साल हो चुके हैं, राइट? एंड इंडस्ट्री में आपने स्टार्टिंग फ्रॉम यू नो गेटिंग ऑल द स्टार्टिंग मूवीज, उसके बाद में आप बड़ी बड़ी बैनर मूवीज के साथ में भी अभी काम कर रहे हो, तो आप ये पूरी 14 साल की जर्नी को आप एक बार बताएंगे हाउ योर एक्सपीरियंस हैड बीन, एंड लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होगी कि आप अगर ये बताएंगे कि हाउ वाज योर जर्नी। देखो मुझे लगता है मेरी 14 साल की जर्नी नहीं है टोटल, मेरा स्टार्टिंग ये हुआ था 2002 से, ओके, मई 2002 से, श्योर। तो 2002 से लेके अभी देख लीजिए अब हमारे 22 साल हो गए, 22 साल हो गए, तो 22 साल तो टोटल मेरा हो गया है, जिसमें से 2002 से लेके 2007 तक मैं लखनऊ थिएटर में एक्टिव था, भारतेंदु नाट्य एकेडमी एंड फिलहाल लखनऊ में लोग वहाँ एक्टिव था। 2007 में मेरा एडमिशन हुआ FTI पुणे एक्टिंग कोर्स के लिए, तो मैं उधर निकल गया। मुझे याद है 15 दिसंबर 2007 को मेरी पहली क्लास थी वहाँ पे, ओके, FTI में 15 दिसंबर 2007 को पहली। पूरा 3 साल मुझे लग गया था FTI कैंपस में, डिप्लोमा फिल्म हमारा कंप्लीट होते होते, तो 3 साल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन टाइम मैंने बिताया है पूना फिल्म इंस्टीट्यूट का। बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे उस इंस्टीट्यूट से, बहुत सारे अच्छे टीचर्स आए 2 सालों में, कमाल के टीचर्स आए जिन्होंने अच्छी अच्छी एक्टिंग की वर्कशॉप ली हैं, काम को सब पढ़ाया है, बताया है, बारीक काम करना सिखाया है अच्छे टीचर्स। वहाँ जो फिल्में दिखाई जाती थी लाइक वर्ल्ड सिनेमा, हाँ जी, शाम को रोज 6:30 बजे और रात को 10:30 बजे, यानी मिनिमम 2 फिल्में तुम्हें देखता ही था FTI में, एक अपनी निकाल के लाता था लाइब्रेरी। अच्छा। तो रात को 10:30 बजे के पहले और डिनर के बाद में इमीडिएट अपनी एक फिल्म लाइब्रेरी से निकाल के देखता था लोगों की मदद से, लोगों के लैपटॉप पे, टीवी पे वगैरह, फिल्मों का जो वर्ल्ड सिनेमा देखा उससे बहुत कुछ समझने को मिला, सीखने को मिला। जो हमारे वहाँ के प्रोफेसर, टीचर्स, सीनियर्स समझाते थे कि जाओ फिल्में देखो, ये शुरू में थोड़ा दिक्कत करेंगी, महीने डेढ़ महीने तुम्हारा मन नहीं लगेगा, चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन ये तुम्हें बहुत कुछ समझने में मदद करेंगी सिनेमा को, फिल्म को, अभिनय को, चीज़ों को। तो वो बात मेरी समझ में आई महीने डेढ़ महीने बाद, फिर मैंने देखा कि उन फिल्मों का तो एक पागलपन था मेरे अंदर, पागलपन था। मैंने 3 साल FTI में कभी कोई फिल्म स्क्रीनिंग मिस नहीं की, 3 साल में कभी कोई फिल्म, बोला ना 2 तो मैं देखता ही था, हाँ, डेली NFAI, PT, MT और एक अपनी निकालता था लाइव, वो चलता था कभी कभी संडे को 4-4, 5-5 फिल्में चलती थी। वो था आपके बैचमेट्स कौन थे सर? हाँ, एक और वहाँ की लाइब्रेरी, वहाँ की लाइब्रेरी, वहाँ के डिप्लोमा, वहाँ के प्रोजेक्ट्स में काम करना, okay. ये सब मतलब बहुत कमाल काम हो रहा है FTI। शायद FTI ही जीवन में आया और उसकी बेहतरीन ट्रेनिंग थी, तो आज मैं कुछ छोटा मोटा निकलता है, मतलब वही है वो सबसे बड़ा योगदान उस संस्थान का है, इंस्टीट्यूट का है, टीचर्स का है, गुरुओं का है। बिल्कुल परफेक्ट जी। तो वहाँ पे कुछ आपके कोई जाने पहचाने हमारे बैचमेट्स थे आपके वहाँ पे, जो अभी हम लोग बड़े स्क्रीन में देखते हैं, जिनको कोई बैचमेट मतलब या कॉलेज में? हमारा काफ़ी बैच है, मतलब एक्टिंग का अलग है, डायरेक्शन का। FTI में? FTI में एक्चुअली क्या है, शुरू का जो 6 महीने होता है हम लोगों को कंबाइंड पढ़ाया जाता है। अच्छा अच्छा। यानी सबको पढ़ना है, ओके। तो हम सारे बैचमेट्स होते हैं, लाइक डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, ऑडियोग्राफी, एडिटिंग, आर्ट डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन डिजाइन और एक्टिंग, ये सब एक साथ ही होता है। ओके ओके। कोर्स कंबाइंड होता है, कंबाइंड रहता है, ओके, गॉट इट। तो सारे बैचमेट होते हैं, 6 महीने के बाद हमारा अपना अपना स्पेशलाइजेशन शुरू हो जाता है। नाइस नाइस। तो सारे बैचमेट। कोई जाने पहचाने चाह रहे हैं उन बैचमेट से? मेरे बैचमेट, हाँ। अभी अभी मुझे पता चला कि 12th फिल्म जो फिल्म आई है उसका जो सिनेमाटोग्राफर है मेरा बैचमेट। क्या बात कर रहे हैं? रंगा, रंगनाथ रंबलधर, ओके। और एक और बैचमेट है मेरा सिल्वेस्टर, ओके, सीखा, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कुमार सौरभ बहुत बढ़िया काम कर रहा है कैमरा में,
और उसकी वो फिल्म थी पुलकित ने डायरेक्ट किया था, पुलकित का सीरीज था राजकुमार राव को लेके, क्या नाम था, राज पुलकित, पुलकित सीरीज क्या था, बोस, द बोस, यस, कैमरामैन, और बहुत बढ़िया काम किया। फिर मेरे बैच में काम मेरा जो कुणाल पंत टीवी में अच्छा काम कर रहा है, कुणाल पंत, रोहन कुलकर्णी उधर साउथ में अच्छा प्रयास कर रहा है, अच्छा लगा पड़ा रोहन कुलकर्णी, एंड आर बद्रीनाथ उधर साउथ तमिल सिनेमा में, आशीष वर्मा अच्छा काम कर रहा है, रोंजनी चक्रवर्ती, उर्मिला महंता अच्छा काम कर रही है उधर, तो ये सब वो कैमरा बैचमेट की, मैं एक्टिंग बैचमेट की बात बता रहा हूँ। संतोष ओझा अभी वीर सावरकर, वीर सावरकर मेरे, हाँ हाँ जी, है ना, हाँ जी, उसमें आया वीर सावरकर। आकाश सिन्हा मेरा बैचमेट है, वाह, और वो बहुत टीवी में काम कर चुका है, फिल्मों में मेरे साथ फोटोग्राफ में था, सर में था, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ और अच्छे फील्ड चेंज हो गया, लाइक पॉलिटिक्स में मेरी एक बैचमेट है महिमा सिंह, वो अभी कांग्रेस पार्टी में चली गई, अच्छी पोस्ट पे है। क्या बात, मेरा एक बैचमेट है जतिन खान, राही मासूम राजा का पोता है, ओके, राही मासूम राजा का पोता है, नदीम खान, नदीम खान का बेटा है वो, फिर उसने एक्टिंग बाद कैमरा किया, अभी कुछ तो लॉ जो भी कुछ कर रहा है मिलना है। इसके अलावा एक और बैचमेट है दिल्ली में अच्छा काम कर रहा है, क्या बात है, और कुछ दिल्ली में है, बॉम्बे में यही लोग हैं, एक है मीनू हुडा है उधर हरियाणा में, उधर पढ़ाती है, पढ़ा रही है, बहुत अच्छा मतलब काम कर रहे हैं लोग। वेरी नाइस, वेरी नाइस सर, गुड टू नो कि इतने सारे जाने पहचाने चेहरे आपके साथ में, तो कितना नॉस्टैल्जिक लग रहा है ये सब सुन के सर। तो आप रेडी हो सर नेक्स्ट वन के लिए? जी। ओके, नेक्स्ट वन इज हमारा अर्बन प्लैटर का भूत झुलकिया। तो भूत झुलकिया इंडिया की वन ऑफ द स्पाइसीस्ट मिर्चियां कहते हैं, ये असम में पैदा होती है, तो वहीं पे असम में ज्यादातर लोग खाते हैं, तो और वर्ल्ड की वन ऑफ द स्पाइसीस्ट है भूत झुलकिया, उसको गोस्ट पेपर भी कहते हैं, आप देख लीजिएगा। मिर्ची लगी वैसे अभी आपको फर्स्ट में? टेस्ट कैसा है? धुआं धुआं तो नहीं मचा दोगे मेरा मिर्ची खिला खिला के? जहां पे आपको मिर्ची ज्यादा लग रही है वहां पे बता देना, मैं तो खाता जाऊंगा। अगर ज्यादा मिर्ची लगी हो तो बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, हाँ अभी, हाँ तो आपको, आपने इतनी सारी अब मूवीज कर ली हैं, अराउंड 40 मूवीज के आसपास आपने कर ली हैं, अब अपने पहले ब्रेक के बारे में बताइएगा, आपको पहला ब्रेक कैसे मिला, क्योंकि सबसे बड़ा डील तो वहीं पे होता है लोगों के लिए। पहला ब्रेक मेरा फिल्म में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं एक्टिंग सेकेंड ईयर में था, ओके, सेकेंड ईयर में था, 2009 की बात होगी, तो मैं उधर FTI के बाहर किसी काम से निकला था, लॉ कॉलेज रोड, उसके बाद FTI में एंट्री कर रहा था अपना, अंदर हॉस्टल के निकल रहा था, तो पास में लेफ्ट में एक बरगद का पेड़ है, वहाँ पे मैंने देखा हमारे सीनियर पंकज शर्मा बैठे हैं और उनके साथ अभिषेक बनर्जी, ओ ये TVF राव स्त्री, स्त्री वाले कास्टिंग डायरेक्टर बैठे हैं, तो वो शायद कोई फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे उस वक्त, फिल्म का नाम था नॉकआउट, ये सब मुझे कुछ मालूम नहीं था। अच्छा, मैं बस निकल गया हूँ सबको नमस्कार मार के, मुझे मालूम था हमारे सीनियर हैं, तब मैं अभिषेक भाई को जानता भी नहीं था, ओके, क्योंकि मैं FTI में पढ़ रहा था, तो उन्होंने शायद कुछ बोल दिया होगा कि इसका भी टेस्ट ले लो। अच्छा, टेस्ट चल ही रहे थे नॉकआउट में, ओके ओके, तो थोड़ी दूर में गया, उसके बाद मुझे बुलाया, इधर आ जा, तूने कहा क्या है, तो बोला यार एक ऑडिशन है, दे दे टेस्ट है, ऑडिशन तो कुछ मालूम नहीं था, ऑडिशन क्या होता है, उस टाइम पे तो कॉलेज में थे, ऑडिशन क्या होता है, अरे मैंने कहा अरे नहीं कुछ नहीं, जा बस जैसे क्लासरूम एक्सरसाइज में सीन करता है ना, इम्प्रोवाइजेशन करता है, वैसे कर देना। तो FTI के बाहर कहीं से वो अभिषेक भाई मुझे लेके गए और एक हमारा इम्प्रोवाइजेशन हुआ, थोड़ा सीन समझाया और ऑडिशन हो गया, उन्होंने टेस्ट ले लिया, मैं उस बात को भूल गया। दूसरे दिन मुझे याद है मैं NFAI में फिल्म देख रहा था, कोई स्क्रीनिंग, ओके, और स्क्रीनिंग से निकला हूँ कि मेरे पास फोन आया,
यार तुम्हारा सिलेक्शन हो गया वहाँ पे। सिलेक्शन हो गया, वो जो ऑडिशन दिया था ना, तुम सेलेक्ट हो गए। मैंने कहा सेलेक्ट हो गया, तो मुझे एक अजीब सी घबराहट हुई। मैंने कहा सेलेक्ट हो गया मतलब क्या? ठीक है सेलेक्ट तो हो गया, मैं यार शूट आउट पे नहीं जाऊँगा, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है फिल्म का, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं सेकेंड ईयर में हूँ। एक तो मुझे पहली बात तो अभिनय का कोई सेंस नहीं है, सही बात है, और फिर मैं फिल्म में शूट में कैसे जाऊँगा क्या है? तो उसमें फिर ये FTI में एक अच्छा माहौल था, लोग बड़े खुश थे कि मेरा नॉकआउट में सिलेक्शन हो गया, सीन हो गया, और मेरा सीन इरफान खान के साथ पहला, यस मतलब जिंदगी से पहला सीन इरफान खान के साथ। तो FTI में लोग खुश थे, लाइक मेरे सीनियर जूनियर बैचमेट, बट मेरा मन नहीं था जाने का, मैं डरा हुआ था, मैं जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि आप रेडी नहीं थे उस टाइम, मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, शूट का कोई अंदाजा ही नहीं है। तो हाँ क्लासरूम में एक्सरसाइजेस तीन वर्क वगैरह किए थे फर्स्ट में, लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जाके टीवी मूवी पे आ जाऊँ। मैं नहीं जा रहा था, तो मेरे सब सीनियर ने बुला रहे यार चलना, यहाँ लोगों को काम नहीं मिलता, और तेरी जिंदगी की शुरुआत एक फिल्म से हो रही, वो भी इरफान खान के साथ हो रही, तो जा। और बोले कुछ पैसे भी मिलेंगे। पैसे सुन के मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा पैसे कितना? तो उन्होंने बोला एक दिन का काम है, दो कुछ घंटे में हो जाएगा, तुझे 5,000 रुपए मिल जाए। मैं बड़ा खुश था क्योंकि यार उस वक्त मुझे याद है मेरे घर से 3,000 रुपए आता था FTI में, 3,000 संभव था, 3,000 में मेरा पूरा महीना निकलता था, तो कुछ घंटे का 5,000 रुपया मिलना, फिर शूट है, फिर बांधू वाला। तो मेरे सीनियर ने बड़ी खुशी खुशी भेजा, मेरे बैचमेट ने अपना बैग दिया, पैकिंग की, बोला जा शूट कर गया। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था वहाँ जाके, कैसे रोड में मैंने कॉस्ट्यूम बदली है, फिर मैं सीन को लेके फाइट कर रहा था कि मेरा सीन दो इरफान के साथ जो है वो कोई नहीं दे रहा है, अभी दे रहा हूँ 5 मिनट 10 मिनट में मैं इतना इरिटेट और इतना एंजाइटी में आया कि मैं मनी शंकर की स्क्रिप्ट रखी थी कुर्सी में, वो लेके भाग के उधर जाके अपना पढ़ने लगा अपना सीन, क्यों कोई स्क्रिप्ट ही नहीं दे रहा था, कोई नहीं दे रहा। अरे उनको लगा आया कर लेगा, मेरी तो हालत खराब है ना, सही बात है, मैं कैसे करूँगा वहाँ पे सीन। और उसके बाद 5-10 मिनट बाद मैंने देखा एक असिस्टेंट आया, मुझे दिखा रहे क्या कर रहा है, बोला ये तो डायरेक्टर का स्क्रिप्ट लिखे तू बैठ गया। मैंने कहा सर मैं क्या करूं? मैंने कहा क्या करूं, आप मुझे सीन ही नहीं दे रहे हो। उधर इरफान खान मुझे दिख गए, अच्छा बढ़िया कोट पैंट टाइम में वो आ रहे हैं, निकल गए, तब से और मेरी हालत खराब हुई, हाथ पैर मेरे और फूलने लगे, भाई साहब इरफान तो आ गए, होटल छोड़ के जहाँ से भी आ गए, अब तो सीन करना ही पड़ेगा ना, और मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है ना। अभी तक तो ये हो रहा था, अरे अभी नहीं आया वो नहीं आया, अभी इनका होगा उनका होगा, अरे तो अभी तो दिख गए, मैं क्या बोलूंगा, क्या सीन करूंगा। उसके बाद मेरा डिस्कशन हो रहा है, मैंने कहा सर मैं ऐसे तो काम नहीं करूंगा, अगर ऐसे कराना है तो मैं दूसरा आर्टिस्ट आप ले लो, मैं निकल रहा हूँ। ऐसा मेरा आर्गुमेंट चल रहा था फर्स्ट एडी से, तब तक मैंने देखा मनी शंकर आ गए। अच्छा टेल दे, क्या हुआ? तो उसने एडी ने बोला अरे सर ये आपकी स्क्रिप्ट लेके वहाँ भाग गया, वो पढ़ रहा है। तो मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, मुझे सीन नहीं मिल रहा है, मैं नर्वस हो रहा हूँ, मुझे परेशान हूँ, और कोई सीन नहीं दे रहा, अभी इरफान के साथ मेरा सीन है, मैं तो अभी रिटेक करूंगा तो आप मुझे माफ तो नहीं करोगे? तो बोलो नहीं नहीं ठीक है तू पढ़ पढ़ पढ़। अच्छा तो मनी शंकर ने वो स्क्रिप्ट मुझे दे दी कि तू पढ़। फिर वो मुझे याद है वो सीन था, मेरे पास 5-10 मिनट था, 15 मिनट रहा होगा, हाँ जी, नॉन स्टॉप उस सीन को पढ़ रहा था, यार इस सीन में कुछ गलती ना हो मेरे साथ, कुछ रिटेक ना हो, चीज़ें ना हो, क्योंकि अभिषेक भाई भी वहाँ सेट पे थे, सबका था कि यार तुमको अच्छे से करना है, और इरफान खान और सब, एक प्रेशर तो आ ही जाता है, सही बात है, और फिर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मैं लगा हुआ था, और सब कुछ ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा अच्छा होता गया, इधर से शॉट, चारों तरफ से, ऊपर से, इधर से, चारों तरफ से शॉट हुआ, कोई रिटेक नहीं हुआ, बड़े खुश थे लोग, अरे वाह, बहुत खुश थे, अभिषेक बनर्जी बहुत खुश थे, बोले यार मुझे नहीं मालूम था तू कर लेगा यार, वो तू कर लिया, तूने कोई गलती नहीं की। अभिषेक भाई की ये बात मुझे आज भी याद है कि उन्होंने बोला कि यार मुझे लगा तू गिर जा, कुछ तो गड़बड़ होगा इसके साथ, कंबल मार देगा, कुछ होगा, लेकिन तू लगा था, वाह, तो बड़े खुश थे वो, उन्होंने भी सेट पे मेरी मदद की सीन रीडिंग करने में, तो बढ़िया सीन था, बहुत मज़ेदार, बहुत जिंदगी का पहला फिल्म, पहला सीन, पहला एक्सपीरियंस, ये तो भगवान की कृपा बोलेंगे, बेहतरीन अनुभव था।
और मुझे याद है आज भी वो सब छोटी छोटी उस शूट की छोटी छोटी बातें मुझे याद है। वाह, कैसे कपड़े चेंज करना रोड में, कैसे स्क्रिप्ट के लिए लड़ना, कैसे इरफान के पास जाना और उनको अपनी बात कहना कि सर मुझे आपके साथ मुझे एक काम मिला है, थोड़ा आप संभाल लेना, मैं बहुत नर्वस हूँ। तो बोले नहीं नहीं नहीं, नर्वस होने की जरूरत नहीं, नर्वस होने की जरूरत हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, थोड़ा डरने की जरूरत नहीं। वाओ, वो तो इरफान ने सीन में मेरे साथ काफ़ी मदद की मुझे, कहीं कोई एक एक्शन इधर उधर मिस हो गया था तो धीरे से याद दिला दिया कि तेरा ऐसा था वैसे। तो कमाल का अनुभव, कमाल का अनुभव था, नॉकआउट पहली फिल्म। और फिर शाम को पैसे भी मिल गए, पैसे भी मिल गए जेब में। तो बहुत सुनहली, एक बड़ी खूबसूरत यादें लेके मैं निकला और आज भी वो कुछ यादें बनी हैं। लाइक उसी सेट की वजह से मानी शंकर जी के साथ अच्छा रिश्ता हो गया जी। उन्होंने मुझे नंबर दिया था अपना, आज भी उनसे कभी कभी बात हो जाती है। अरे क्या बात है, जब भी बॉम्बे आते हैं मिलते हैं अच्छे से, प्यार से, अच्छे बुरे वक्त में वो मुझे सलाह देते हैं, विश करते हैं। इरफान सर थे जब तक, वो भी अच्छे से ही मिलते थे, करे नॉकआउट था, फिर हर बार किया काम उनके साथ। तो अभिषेक भाई, अभिषेक बनर्जी पहले कास्टिंग डायरेक्टर मेरे जीवन के, आज भी उनका संबंध वही है, लेकिन वो पहली फिल्म बहुत कि इमोशनल कनेक्ट अलग ही, बड़ा अलग ही रहा। मेरी पहली फिल्म सही बात की, सही बात, कैसे वो मेरी लाइनें तैयार कर रहे थे, कैसे उन्होंने मेरी तारीफ की थी, ये सब बड़ी अच्छे से यादें, वो बहुत बहुत याद। ये तो लिखा लिखाया है वो, क्योंकि आप जब जा ही रहे थे तभी उन्होंने आपको देख लिया, उन्होंने आपको बुला लिया, तो मतलब बहुत ही बड़ी बात है ये, तो इत्तेफाक वाली बात भी है। लेकिन वही कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जब आना होता तो आ ही जाता है। परफेक्ट है सर। सर बहुत अच्छा लगा आपकी ये स्टोरी और जर्नी सुन के, फर्स्ट आपको ब्रेक मिलने के हिसाब से तो बड़ी मज़ेदार चीज़ें थी, लेकिन इतना बोल नहीं सकते, संभव नहीं होगा बिल्कुल, तो कम शब्दों में ही कोशिश किया मैं आपको। नहीं 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 बिल्कुल सर, आपने मतलब ये जर्नी इतनी इंस्पायरिंग रहेगी लोगों के लिए कि भाई आप मतलब कहते हैं ना कि जब आना होता तो आ ही जाता है। सर तो आप रेडी हैं नेक्स्ट वन के लिए? या ओके, तो नेक्स्ट है हमारा एल डियाब्लो का बूम, ये भी भूत चुलकिया ही है बट ब्रांड अलग है, तो ये टेस्ट करते हैं सर। थोड़ा अलग है, है ना? तो आपने इतने मेगा स्टार्स के साथ में काम किया है, जैसे आलिया भट्ट, रणदीप हुड्डा, अक्षय कुमार, आपने इन सब के साथ में, श्रद्धा कपूर, सुशांत सिंह राजपूत, इन सब के साथ में अच्छा इतना सारा काम किया हुआ है, तो आपका एक्सपीरियंस इन मेगा स्टार्स के साथ में काम करने का कैसा था? और सबसे मज़ा शाहरुख खान, आपका सबसे एक्सपीरियंस कैसा था और सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ में आपको काम करने में? देखो शाहरुख सर के साथ मेरा काम करने का अनुभव नहीं है, लेकिन रईस में मैंने उनको देखा था थोड़ा दूर से। ओके, मेरा उनको देखने का बड़ा मन था, तो मैंने जो रईस फिल्म के राइटर्स थे, मैंने कहा यार मैं शाहरुख सर को थोड़ा देखना चाहता हूँ, तो बोला अरे हाँ बिल्कुल आओ आओ, लेके गए। तो मुझे याद है 30-35 फिट की दूरी से एक सीन की तैयारी हो रही थी, वो अपना खड़े हुए थे, तो मैंने देखा मेरे सीनियर हैं FTI के जयदीप अलावत भाई से बातें कर रहे थे, तो बस मैं उनको देख रहा था, 10-15 मिनट मैंने ध्यान से देखा है उनको, और एक सम्मोहन की स्थिति हो जाती ना आदमी की, मेस्पराइज होना, सम्मोहन की स्थिति में बस मैं उनको देख रहा था। उसके बाद थोड़ा देर में मुझे पता चला अरे यार मेरा सीन आने वाला है, अभी सीन लगेगा, और जो कैमरामैन हमारे सीनियर है FTI के कोई, वो तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, बैंड बजा देंगे अगर मैं अपना सीन नहीं कर पाया। सही बात। तो मैं बस वैनिटी में गया और मैं अपने सीन को तैयार करने में लगा, तो वो मेरा बस अनुभव है उनके साथ। लेकिन हाँ मैं विश जरूर करूँगा कि मुझे दोबारा उनको मिलने का कभी मौका मिले और काम करने का, देखने का मौका मिले, बात करने का मौका मिले अक्षय कुमार सर के साथ, अगर काम करने का मौका मिल जाए तो। बिल्कुल, अक्षय कुमार सर के साथ में कैसा था? बहुत बढ़िया, बहुत केयरिंग हैं, बहुत ख्याल रखने वाले इंसान हैं, और मैं 40 दिन था उनके साथ शूट किया, तो साथ में नाश्ता, लंच, डिनर, शूटिंग सब होता था, बहुत केयरिंग थे।
रोज सबसे पहले हेल्थ का ही पूछते थे, तबीयत कैसी है तेरी, स्वास्थ्य कैसा है, कोई बैड हैबिट्स तो नहीं, कुछ नहीं, मेरी नज़र है तेरे ऊपर, क्या हुआ, मेरी टीम की नज़र है तेरे ऊपर, तेरे ऊपर, तेरे बैग में, तेरे कमरे में, सब जगह तेरी नज़र है, मैं हम लोग। अच्छा, मैंने देखा बहुत केयरिंग थे वो, बहुत बहुत केयरिंग थे, बड़ी याद आती है उनकी कि फिर से मैं मिलूँ उनसे, उनके साथ काम करूँ। ये मिस करता हूँ कि वो 40 दिन में मुझे उनके साथ, अगर मैं थोड़ा उठता भी, सुबह सो के उठता, और उनकी जो लाइफ स्टाइल है एक या दो दिन के लिए फॉलो, जो हम एक दो दिन नहीं 40 दिन फॉलो करता, तो वो मज़ेदार बात होती। मतलब मैं हर वक्त उनके साथ अगर रहता, तो उनकी जो शूट के बाद की जो ज़िंदगी है, लाइक वो कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, क्या उनकी लाइफ स्टाइल है, वो अपनी तबीयत का कैसे ख्याल रखते हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इतना डिसिप्लिन, अनुशासन उनके जीवन में जो है, मैं वो मिस करता हूँ कि मुझे वो करना चाहिए था उनके साथ, कि मैं उनके साथ उठता, उनके साथ एक्सरसाइज, कुछ चेंज आ जाता मैं उनको, क्योंकि मैं देखता था, मैं जब शूट पे जा रहा हूँ तो मैं देखता था मॉर्निंग में वो सुबह भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वाओ, शाम को भी वो अपना एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेके जाके एक्सरसाइज करते थे, तो एक्सरसाइज करते हुए तो मैं उनको देखता ही था, फिर वो बहुत आराम से खाना खाते थे, ये मैं नोटिस करता था, बहुत आराम से तसल्ली से खाना खाते थे वो, बहुत कूल शान सर, ये मैं मिस करता हूँ कि काश किया होता, कि काश मैं उनके साथ वो जीवन जीता, उनके साथ रहता, एटलीस्ट कुछ बदलाव तो कुछ मेरे अंदर अच्छी बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता लाइफ स्टाइल। सुशांत सिंह राजपूत के साथ में आपको काम करने का कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब आई गेस लोग सुनना चाहेंगे कि सही में उनके साथ में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा होता था। देखो बहुत ही बढ़िया अनुभव था, मुझे तो उनकी पहली मीटिंग मुझे याद है, मैं उधर बॉम्बे में ही कहीं शूट कर रहा था, किसी हॉस्टल में था, न्यूजीलैंड हॉस्टल में कहीं शूट था, आईटी बॉम्बे की तरफ, तो मैं अकेले जा रहा था, तो आए और मेरे पीठ पे उन्होंने हाथ मारा बहुत तेज, ठपठपाया, बोले यार बहुत बढ़िया काम करता है तू, यार बहुत बढ़िया काम करता है, तो फिर मैंने कहा यार थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। उन्होंने मुझे गले लगाया, मैंने उनको बहुत अच्छे से गले लगाया, वो मेरी पहली एक अच्छी फर्स्ट इंट्रैक्शन था जो मुझे याद है। बाकी तो बहुत सारे इंट्रैक्शन हैं कि कैसे मैं पहली बार मिला हूँ, एक एनर्जी वाला बंदा, गोरा चिट्टा लंबा सुंदर सा, वॉलीबॉल खेल रहा है साजिद नाडियाडवाला के ऑफिस में, और मैं पहचान नहीं पाया, अभी मैं उनको पहचाना, उन्होंने मुझे देखा, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है पहला देखना अभी। लेकिन ये जब मेरी पहली बात हुई थी उनसे, कि वो खुद आके मेरे पीठ पे हाथ मारा, और जो भी मैंने एक लाइन बोली थी उसकी तारीफ की, वो मुझे याद है। फिर वो अपनी वैनिटी में गए, मैं अपनी वैनिटी में गया, उसके बाद तो रोज साथ में ही रहते साथ में रहते। कैसे पर्सनैलिटी थी? मुझे ऐसा लगता था कि बहुत पढ़ा लिखा बंदा था वो, आई आई टी तो पास आउट हाई है, सभी को पता है, लेकिन वो बहुत पढ़ा लिखा आगे था, दोनों हाथ से लिखना, नॉलेज उसको बहुत था, ज्ञान बहुत था, दुनिया भर के सब्जेक्ट्स में वो बातें करते रहते थे। तो मैं उन लोगों के साथ जो हमारे एक्टिव के टीम थी सारे लोग हम बैठे, मैं मोस्टली सुनता ही था उनको, क्योंकि वो जिन सब्जेक्ट्स की बातें कर रहे होते थे वो मेरे लिए नई होती थी, तो मैं सोचता था कि मैं इससे सुनूँ इनको, तारों की बातें, चांद की बातें, वहाँ ज़मीन लेने की बातें, और क्या क्या लैपटॉप के लेंसेज हमें कैसे देख रहे हैं, मोबाइल के लेंसेज हमें कैसे देख रहे हैं, दुनिया भर की वो मतलब ऐसी बातें जो मुझे नहीं मालूम थी, उस बंदे को मालूम थी, और वो पूरा डिस्कशन हो रहा था। तो मैं उनके बारे में ये कहूँगा, बहुत ही पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट, स्वीट, मधुर, केयरिंग बंदा था वो, ख्याल रखने वाला। मतलब ये तो सर, ये तो काम तो आपको सबने ही देखा है, हम सब, लेकिन वो पढ़ा लिखा बहुत था, इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान था, बहुत बुद्धिमान था। नाइस। इन सब में सबसे ज्यादा मजा मेगा स्टार्स के साथ में काम करने में आपको सबसे ज्यादा मजा किसके साथ में आया? लगभग सबके साथ ही आया, क्योंकि
हर व्यक्ति के साथ जब मिलना है तो एक अलग अलग ढंग का वो इंसान होता है, अलग ढंग के उसके साथ हमारे अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम उनके साथ बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, तो सबके साथ कमाल का ही अनुभव होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम लेना सबसे ज़्यादा जो आपके दिमाग में छाप रह गई हो, तो मुझे याद है कि श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ जब मुझे केवीसी प्रोमो 2018 में काम करने का मौका मिला था, तो इतना बचपन से नाम सुन रहा हूँ उनका, इतना फिल्में देख रहा हूँ, इतना अच्छा काम देख रहा हूँ, तो जो बंदा मेरे सामने आया था, मुझे याद है मेरे जिंदगी में 3 बार पैर कांपे थे मेरे लाइफ में। पहली बार जब मैं मंच में चढ़ा, फर्स्ट टाइम, थोड़ी देर कांपे, शिवरिंग हुआ, फिर मैंने उनको मैनेज कर लिया था। पहला नाटक जब मैं कर रहा था लखनऊ में, भारत दुर्दशा, दूसरा जब मेरे पैर कांपे थे जब मैं नॉकआउट इरफान के साथ मिलने गया था कि सर मेरा नाम सहर्ष कुमार शुक्ला है, तो मैंने देखा जब मैं नज़दीक आया तो मेरे पैर अपने आप कांपने लगे, तो वो था, थोड़ी देर बाद ठीक हुए। तीसरा मैंने देखा है जब मैं बच्चन जी के पास आया, क्योंकि बच्चन जी ने बुलाया ये कौन है जो लखन यादव कर रहा है, तो मैं नज़दीक गया, नज़दीक जाते ही मैंने देखा मेरे घुटने के नीचे के पैर अपने आप कांपने लगे। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है मेरे से, ये क्या हो गया पैर कांपने लगे, तो उसको बाद में मैंने कंट्रोल किया, कंट्रोल हो गया। लेकिन वो आदमी भाई, मुझे याद है 12 घंटे की शिफ्ट थी, तो उस दिन 2 शूट होने थे, तो शुरू के 6 घंटे मैं उनके साथ था, मैंने उनसे बात तक नहीं की। मुझे लगा मैं अगर बात करूंगा इस इंसान से तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर दूंगा, वक्त बर्बाद हो जाएगा, बात करने को करूंगा तो वो तो बात कर ही लेंगे, क्या नाम है, क्या है, जया बच्चन हमारी सीनियर है FTI से, बहुत कुछ बातें हो सकती थी। लेकिन मैंने सब अवॉइड किया, अवॉइड मैंने ये किया कि यार ये जो मुझे 6 घंटे मिले हैं मैं इनको देख लूँ, मैं इनको जी भर के देख लूँ। वो क्या आदमी था, मतलब मेरी नज़रें मुझे लगता है पलकी नहीं बंद हो रही थी। वो लोग कहते हैं एक और सुंदर, गोरा, एक औरा, चमक, तेज था उनके अंदर, शांत थे बिल्कुल, और वो भी देख रहे थे कि ये लगातार मुझे नॉन स्टॉप देख रहा है, घूर रहा है, वो समझ गए थे बट वो अवॉइड कर रहे थे, कभी अपनी स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, लेकिन मैं उनको ऐसे देख, मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं कहीं और देखूं। मुझे लगा इस आदमी को देख लूँ यार चला जाएगा, तो वो एक्सपीरियंस तो कमाल था, अमिताभ बच्चन से मिलना और काम करना और बात करना, उनको देखना और उनके साथ सीन करना, वो अभी भी वो अलग ही लेवल है बच्चन के साथ। वाओ, थैंक यू सर। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन सर? जी बिल्कुल। तो नेक्स्ट है हमारा एन ए का भूत झलकिया, और ये एक जैसे घर में चटनी बनाते हैं ना हम लोग, मिर्ची को पीसते हैं मिक्सी में, ये एकदम रॉ फॉर्म ऑफ हॉट सॉस है, और ये डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम असम, असम से डायरेक्टली, तो आप एक ले सकते हैं सर। अभी स्पाइस लग रही है आपको, हल्का बहुत फील हुआ? टेस्ट कैसा? वाह, इसमें लगा होगा हल्का। सर आप खुद ही, जैसे हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे कि आप इतने डेप परफॉर्मेंसेज आपने की हैं, लेकिन हु इज योर रोल मॉडल, और वो कौन सा आर्टिस्ट है जिसको आप लुकअप करते हो कि भाई, मतलब वाह आर्टिस्ट, या कोई एक्टर जिनको आप लुकअप करते हो कि भाई इनका काम तो मेरे को इतना मजा आता है, मतलब, या फिर वो आपके रोल मॉडल हो? यहाँ मैं ऐसा कुछ कोई एक एक बंदे का, एक व्यक्ति का, एक कलाकार का नाम नहीं ले सकता, इम्पॉसिबल है। मैं अभी भी लगातार यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कितना काम देख सकूँ अलग अलग कलाकारों का, बिल्कुल, हिंदुस्तान के, विश्व के जितना भी आर्टिस्ट है, चाहे वो थिएटर कर रहा हो, चाहे वो सिनेमा कर रहा हो, जितना भी आर्टिस्ट रहा है, मैं उनको देख लूँ, मैं उनकी फिल्में देख लूँ, एक फिल्म नहीं, 2-3 फिल्म नहीं देख पा रहा हूँ, तो कम से कम उनके बेस्ट
मूवी सीन देख तो ये अभी भी मेरा वो जर्नी चल रहा है, जर्नी बिल्कुल स्टूडेंट वाली जर्नी है, बच्चे वाली जर्नी है, सीखने वाली जर्नी है कि मैं खोज रहा हूँ कि कौन व्यक्ति है जो जहाँ पे मेरा सुई रुक जाएगा कि हाँ, नहीं हो गया हाँ, ये मेरा फेवरेट है, ऐसा कोई नहीं है। जब से होश संभाला है कितना मैंने कुछ देखा है, मंचिका भी देखा है, सही बात है, नाटक नौटंकी गांव में, कव्वालियाँ, मुशायरे, मंचिका, ये सब कविताएँ, कविताओं के पाठ, देन थिएटर लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे, सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा, इंडियन सिनेमा, पूरा अभी भी लगातार देख रहा हूँ, देखने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, बचा हुआ है देखने के लिए। तो एक आदमी नहीं, एक कलाकार नहीं, बहुत लंबी लिस्ट है, जब से वो संभाला है, कौन लोग थे, जब से कुछ कलाकारों की तो सिनेमा मैंने अब देखना शुरू किया डिटेल में, जब एक्टिंग स्टूडेंट पर आया, हाँ, फिल्म इंस्टीट्यूट था कि दिलीप कुमार की फिल्में अभी कुछ एक दो साल पहले से मैंने खूब देखनी शुरू की, नहीं तो जब से वो संभाला था तो वही था, मिथुन चक्रवर्ती, सही बात, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, यही थे, फिर धीरे धीरे गोविंदा, आमिर, शाहरुख, सलमान, बिल्कुल ये सब दौर थे, रजनीकांत, उधर साउथ का कमल हसन ये सुनने में आया, बाहुबली आ गई, प्रभास, ये सब आ गए, लेकिन फिर जो बाद में ये फिर राजकुमार, राज कपूर, बिल्कुल, मोतीलाल, हाँ जी, और संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, ऋषि कपूर, ऋषि कपूर, कितनी लंबी लिस्ट है, राज बब्बर, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, शबाना आजमी, डैनी, अमरीश पुरी, सभी ने, इतना लंबा है, लोग हैं जो आप देखते, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, कितनी लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मनोज वाजपेयी, इरफान खान, नवाज सर, अभी राजू भाई, हाँ, जयदीप भाई, विजय वर्मा भाई, बिल्कुल लंबी लिस्ट है, बिल्कुल, फिर कितना उधर फिल्म देख लो, बहुत लंबी लिस्ट है, बिल्कुल बढ़ता ही रहता हूँ, चैपलिन से ले लो, फ्रेड स्टार, हेनरी फोंडा, जॉन वैने, जैक निकल्सन, स्पेंसर ट्रेसी, ब्रांडो, मल्लन ब्रांडो, अल पचिनो, रॉबर्ट नीरो, डैनियल डे लेविस, टॉम हैंक्स, वाओ, लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, कैथरीन फीमेल, कैथरीन एबर्न, ऑड्री एबर्न, कैथरीन, कितनी लंबी लिस्ट है, जिम कैरी, यस, जापानी एक्टर, अकीरा कुरोसावा की फिल्मों के एक्टर, बिल्कुल बहुत लंबी लिस्ट है, बिल्कुल, तो मतलब आप लोगों के काम देख देख के देखते रहते, अरे यार इसने अच्छा किया, हम्परी बोगार्ट, जेम्स स्टीवर्ट, बिल्कुल, बिल्कुल, कैरी ग्रांट, कितनी लंबी लिस्ट है, तो मतलब एक नाम मैं नहीं कह सकता, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं अभी भी लगातार देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कितना देखूँ, बिल्कुल, इनकी परफॉर्मेंस देख सकूँ, इनके बारे में पढ़ सकूँ, इन्होंने कैसे काम किया है, वो भी बिल्कुल अधूरा है, जर्नी अभी भी अधूरा है, लॉरेंस ओलिवियर, मतलब कितनी लंबी लिस्ट है, बिल्कुल, तो एक नाम कैसे ले सकता हूँ, ले ही नहीं सकता हूँ, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, सो एवरीवन फिल्म जगत में एवरीवन इंस्पायर्स यू स्टिल एंड विल ऑलवेज, आई गेस यहाँ पे कोई एक बंदा इंस्पिरेशन नहीं हो सकता, एक नहीं है, बहुत लोग हैं, मुझे याद है लखनऊ में मैंने जो कव्वालियाँ देखी थी एक एक महीने लगातार, हाँ जी, उनके कलाकारों का दिमाग, मतलब मेरे दिमाग में असर भी है, सही बात, क्या गाते थे, क्या ढोलक वाला, मजीरा वाला, हारमोनियम वाला, तबले वाला, वो सब जो सिंगर्स थे, क्या बात है, वो जो लेडी सिंगर, वो सब कितना, मुशायरे जो मैंने देखे, कवि सम्मेलन जो मैंने अटेंड किया लखनऊ में, बिल्कुल, मतलब जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम मैंने अटेंड किए, उनकी कलाकारों का असर बहुत है दिमाग में, गॉट इट, कथक कोई देखने चला गया, अर्जुन मिश्रा जी थे उनका, तो बहुत लंबा है ये, एक बंदे पे स्थिर नहीं हो सकता, एक नहीं है, एक नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, तो कला ऐसी चीज है कि आप जब देखने लगते हो, ढूंढने लगते हो, तो कोई अंत ही नहीं है, अंत ही नहीं है, यूनिवर्स है ये, एक तरीके से समंदर जैसा है, बिल्कुल समंदर जैसा है, बिल्कुल, अब आप उसमें मोती ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो ढूंढते रहो, ऐसा नहीं, एक नहीं है, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर,
आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन सर? हाँ हाँ हाँ। अब है नेक्स्ट, हम पहुंच चुके हैं फिफ्थ पे सर। हाँ, हमारा फिफ्थ वन इज टबैस्को का स्कॉर्पियन। टबैस्को तो आप हम लोग जैसे जनरली खाते ही हैं, हम लोग कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे टबैस्को मिलता है, लेकिन ये उसी टबैस्को का हायर वर्जन है, स्कॉर्पियन हॉट सॉस है। तो इसको ट्राई करते हैं सर। क्या अभी लगी आपको थोड़ा बस मिर्ची टाइप का लग रहा है? आपके वैसे अभी सारी पावर्स अलाइव हैं आप। अच्छा, पावर मतलब ये लेना है अगर अगर आपको मिर्च लगे तो ले सकते हो। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आपकी पावर्स हैं अभी, मतलब आपका स्पाइस का टॉलरेंस, आप मतलब मिर्ची का अच्छा आप पे आप जोर है, आप मतलब आप उस पर अच्छा कंट्रोल है। आपने इतने वर्सेटाइल रोल्स किए हैं सर, आपका सबसे डिफिकल्ट आपका एनी रोल जो आपको सबसे ज़्यादा लगता है कि हाँ भाई ये तुम सबसे बेस्ट रोल मैंने अभी तक किया है, इतने सारे आपने अराउंड 40 फिल्म्स में आपने काम किया हुआ है, कौन सा ऐसा रोल था जहाँ पे आपको लगता है कि भाई ये तो मेरा सबसे बेस्ट रोल था, मतलब या फिर आपका सबसे अच्छा सबसे डिफिकल्ट किरदार था? ऐसा कुछ नहीं था। देखो, मुझे अभी तक जो भी काम मिला है सब ऑडिशन से ही मिला है। सारा ऑडिशन देना पड़ता है, तो ऑडिशन मुझे जो भी मिलता है उसमें मैं अपनी पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से उसकी मैं तैयारी करता हूँ। जो भी मेरे अभी तक के थिएटर FTI में जो भी गुरुओं ने मुझे सिखाया है कैसे काम करते हैं सीन पे, रोल पे, चरित्र पे, मैं तैयारी करता हूँ। अगर मैं सेलेक्ट हुआ तो मुझे काम मिलता है। कोई डिफिकल्ट था सबसे डिफिकल्ट? सभी एक जैसे थे। कुछ वैसा ये कह सकते हो कि वो है प्रिपरेशन करनी पड़ी। जब डिटेल पे काम करते हो आप, डिटेल में और उन पे रिसर्च वर्क आप करते हो, उसके बाद जब आप उसको प्रैक्टिस में लाते हो कि वो अभ्यास में आए और वो फ्लो में बहे, जेन्युइन लगे, अच्छा लगे, बिलीवेबल लगे, ऑर्गेनिक लगे, तो उसमें मेहनत लगती कोई भी रोल है। तो कुछ वैसा है तो वो लगभग सब में बराबर मेहनत है। अच्छा, अब अगर मैं रंगून का रोल देख लूँ, शुरू का रंगून है, बिल्कुल हेयर स्टाइलिस्ट था, मेकअप आर्टिस्ट था, वो सब उसमें भी मुझे काफ़ी पढ़ना लिखना, रिसर्च करना पड़ा और बिना अभ्यास के मैं नहीं कर पाया। तलवार में एक चरित्र है जो हकलाता है, अब उसके लिए भी मुझे तमाम वो सब पढ़ना लिखना पड़ा, क्या क्यों आदमी हकलाता है, स्टैमरिंग के बारे में पढ़ना, फिर उसका अभ्यास करना, तो वो टफ ही होता है। बिल्कुल, वो अगर आपका पढ़ाई लिखाई रिसर्च वर्क और अभ्यास में कमी है, बिल्कुल, तो वो अजीब सा लगेगा। अजीब सा लगेगा कि अरे ये तो ऐसे ही हकला दिया। लेकिन अगर आप इस प्रिपेयर करोगे, स्टैमरिंग के बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये क्या है, क्या बीमारी है, किस लिए होती है, क्या फंक्शन होता है जब आदमी स्टैमर करने लगता है। तो अगर आपको रोल करना है तो फिर रिसर्च वर्क के बाद अच्छा अभ्यास जरूरी है, नहीं तो वो मामला गड़बड़ा जाता है। उसी तरह बेवड़ा पीता है, तो अगर वो चेस प्लेयर भी है, तो अगर आपने सबसे बेस्ट रोल ठीक से अगर चेस नहीं खेला है, उसके बारे में नहीं पढ़ा है, देखा नहीं है, फिल्म नहीं देखी है, तो नहीं कर पाओगे, करना पड़ेगा। फिर एल्कोहल है, क्या पीता था, कितनी मात्रा में पीता था, क्या पीता था, कैसा मूड होता था, वो सब थोड़ा देखना पड़ता है। तो प्रोसेस एक ही जैसा होता है सबका, तो ये हो जाता है। तो कुछ में प्रिपरेशन पढ़नी पड़ती है, सब में करना पड़ता है, सब में इतना तो करना ही पड़ता है कि आपको लगातार स्क्रिप्ट, तो राइटर डायरेक्टर चाहता है कम से कम पढ़ो। हाँ, और वो आपको एक ब्रीफ देता है कि ये चरित्र कुछ ऐसा ऐसा है, वो आपको कम से कम स्क्रिप्ट तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना, हाँ, डिटेल में। उसके बाद लाइनों को अच्छे से याद करना, फ्लो में बनाना, वो सब एक लंबा काम होता है। उसमें आप आराम से बैठ के, ऐसा नहीं कि सेट में जाके आप अपने से बोल दिया, आपको लगना पड़ेगा तभी वो वहाँ पे सेट पे जो फ्लो होता है उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। लाइक रियलिस्टिक तभी निकलेगा कोई भी हो। जैसे माइकल जैक्सन, एक बार कहीं बोला था कि किसी ने उनसे बोला कि आप बहुत इफर्टलेस डांस करते हैं, तो उन्होंने बोला कि यार इफर्टलेस डांस तब करता हूँ जब उसके पहले मैं बहुत इफर्ट कर चुका होता हूँ। तो मुझे लगता है कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट हो या कोई भी फील्ड हो, मैथ कही, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, कोई भी दुनिया का कोई भी फील्ड हो, परफॉर्मिंग आर्ट भी ले लो, आपका जो पहले का एफर्ट है
वही आपको बाद में सेट पे ऑन द थिएटर में फिल्म मैच इफर्टलेस बना सकता है, वो आपकी मेहनत और आपका जो प्रैक्टिस है, जो रियाज है, एफर्ट है, प्रिपरेशन, वही वही बिल्कुल वही वही वो आपको फ्लो में लाएगा। लाइक हम लोगों के एक्टिंग टीचर्स भी प्रैक्टिस में बहुत जोर देते थे, सब कुछ पढ़ने लिखने के बाद, रिसर्च वर्क करने के बाद, आपको डूइंग 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 प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है, नहीं तो नहीं आ पाएंगे चीज़ें, नहीं हो पाएंगे, तो ये करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। हाँ, तो वही जैसे अभी अभी भी जैसे एक रोल में कर रहा हूँ, रिसेंटली अभी राज शांडिल्य की फिल्म कर रहा हूँ, उसमें कुछ चरित्र कुछ अलग ही है, अलग ढंग का है, मुझे काफ़ी इफर्ट डालना पड़ता है कि कहीं कुछ नकली ना हो जाए, नकली ना हो जाए, ऐसा हो जाए, तो मेहनत तो यही है, मतलब हर रोल के साथ ऐसा है, ऐसा रहता है। ओके सर, तो आप रेडी हैं नेक्स्ट वन के लिए? तो नेक्स्ट वाला है हमारा स्प्रिट का भूत जुलकी, और ये इंडिया का सबसे हॉटेस्ट हॉट सॉस है। तो इसका स्कोविल लेवल है, मिर्ची का लेवल है 75,000। तो हम जो जैसे मैंने बताया था, घर में जो हम मिर्चियाँ या सब्जी वगैरह ये सब जो खाते हैं, मिर्ची का लेवल 75,000 जो घर में हम खाते हैं वो 3,000 से 5,000 की रेंज में होता है घर में जो खाते हैं, ये है 75,000। तो इंडिया का सबसे हॉटेस्ट हॉट सॉस है ये। ओके क्या नाम है इसका? इसका स्प्रिग का भूत झुलकिया, स्प्रिग ब्रांड है, उन्होंने अपना एक हॉट सॉस बनाया, मजा आने वाला है सर इसमें। आप धीरे धीरे पेट के नीचे कुछ पेट वाला बता रहा है कि मिर्ची खा रहे हो क्या तुम, ऐसे ऊपर से कुछ तो बोल रहा है मिर्ची खा रहे हो क्या है, केवल मिर्ची खा रहे हो क्या, ऐसा कुछ हो रहा है, बट ठीक है। तो हर फील हो रहा है मिर्ची, मैं झेल रहा हूँ, कब तक कितना झेल सकता हूँ। वंडरफुल लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपकी सारी पावर अभी भी अलाइव है, आपने बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब आपने पहले बताया था कि आप मिर्ची में आप, क्योंकि हम लोग यूपी से, तो हम लोग अच्छा करते हैं यूपी में, आपने अभी तक बहुत अच्छा कर रहे हो, आप लोग बहुत सारे जितने भी गेस्ट आए उन्होंने यहाँ तक तो अभी तक पावर ले ली थी, आपकी सारी पावर अलाइव है, तो बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ ओके सर, आपने ना छिछोरे मूवी आपकी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज कहलाती है, बिकॉज आपका जो उसमें किरदार था इट वॉज वेरी इनडिफरेंट किरदार, एंड मतलब आप छिछोरे मूवी की शूटिंग के दौरान आप कुछ ऐसा अपना एनेक्डोट बताइए या फिर कोई इंसिडेंट बताइए जहाँ पे पूरा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस छिछोरे मूवी के टाइम का कैसा था, और उस किरदार में आपको कितना मजा आया और पूरे शूटिंग के टाइम पर आपको कितना मजा आया। देखो छिछोरे फिल्म को आपने क्या बोला, अब तक के सबसे ग्रेटेस्ट आपका जो किरदार था वो आपका जो आउट ऑफ ऑल दी मूवीज आपने की उनमें से वन ऑफ दी कहते हैं कि मोस्ट लाइकेबल किरदार था लोगों के लिए। हाँ मतलब मैं उसको इस तरह बोल सकता हूँ कि वो मैंने जो भी फिल्में अभी तक की हैं उनमें सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, यस हिट है, यस सफल प्रोजेक्ट है, लोगों की नज़र में गया है, यस यस। बाकी मैंने और भी अच्छे काम किए, हाईवे हाईवे रंगून है, यस बच्चन पांडे है, यस बहुत सारी फिल्में हैं मेरी, लवन शुक्ला है, ग्रहण है, यस है ना, बट वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, सफल नहीं हो पाई, क्रिटिकली अक्लीम थी, बहुत उनके बहुत सारे वजह है, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो फिल्में अच्छी नहीं थी, मेरी मेरे दिल के करीब नहीं थी, या उनके रोल मेरे अच्छे नहीं थे, बहुत बढ़िया काम था, बहुत बढ़िया टीम थी, बहुत कमाल का अनुभव था, लेकिन वो फिल्म दुर्भाग्यवश अच्छी चल नहीं पाई बॉक्स ऑफिस बट क्रिटिकली ये सारी बहुत अक्लीम थी, क्रिटिक्स ने बहुत पसंद किया था ये जो आप मूवीज बता रहे हो। तो वही है, तो छिछोरे ऐसी फिल्म है कि मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ कि वो मेरी अब तक की जितनी भी फिल्में हैं उनमें सबसे सफल फिल्म है, सक्सेसफुल फिल्म है, गांव-गांव, शहर-शहर, टाउन-टाउन तक वो फिल्म देखी गई है। तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग मुझे उस फिल्म और उस बेवड़े के चरित्र के रूप में मुझे पहचानते हैं, जिससे मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है, खासकर जितना भी है बॉम्बे में या एयरपोर्ट पे तो लोग ज़्यादा ही पहचानते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि जो फिल्मों के लोग शौकीन होते हैं वही आपको पहचान सकते हैं, एयरपोर्ट पे ज़्यादा होता है, फिर सेकेंड नंबर पे होता है ट्रेन प्लेटफॉर्म पे होता है, बिल्कुल इसके बाद फिर आपको शहरों में हो जाता है, शहरों में हो जाता है,
टाउन में थोड़ा कम होता है, गांव में थोड़ा कम होता है, बिल्कुल, लेकिन सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पे होता है, जबरदस्त। छिछोरे मूवी के शूटिंग के टाइम पे कुछ ऐसे एनेक्डोट्स बताइए कि उस टाइम पे कैसा माहौल चलता था, कैसा आपके एक्सपीरियंस था पूरा उसके शूटिंग के टाइम पे? यार सबसे जो मेरे अच्छी अच्छी बातें याद आ रही हैं कि जैसे सर मिर्ची लग रही तो पानी ले सकते हैं, मुझे नितेश तिवारी बहुत याद आते हैं, बहुत ही याद आते हैं, उनका चेहरा मुझे अभी भी याद आ रहा है। वो इतने सीधे हैं, इतने सरल हैं, कभी गुस्सा तो करते ही नहीं हो, चुपचाप हैं, शांत हैं, ऐसे लगता है कि सारा होमवर्क वो करके आए हैं, उनकी सारी टीम उनकी सब काम करती रहती है, स्क्रीन पे देखते रहते हैं, मुस्कुराते आएंगे आपको, सहर्ष बेटा धीरे से आपको इंस्ट्रक्शन बताएंगे, सहर्ष ऐसे है ना, तो ये याद आता है उनके बॉडी लैंग्वेज। तो उस सेट की सबसे खूबसूरत चीज़ है जाना और नितेश सर के दर्शन करना, सीधे सर, चुपचाप, शांति, ख्याल, हाल चाल लेना, मज़ेदार, बहुत बढ़िया। मैं माशुनी मैम जब आती थी, वो कमाल की डेडी, पहली बार तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, अच्छा उन्होंने मुझे बोला तुम अकेले घूमते रहते हो इधर उधर, तुम सन्नाटे में रहते हो इधर उधर, कुछ करते रहते, बट ठीक है, अच्छा है तुम अकेले रहते हो, मुझे अकेला है सेट पे, थोड़ा कुछ पढ़ लू है, चलता रहता है। दूसरे दिन मुझे पता चला, अरे नितेश सर की वाइफ हैं, बहुत अच्छा लगा, वो बड़ा सौम्य हैं, सीधी सी, सांवली सी, तो अभी बहुत उनके बारे में जान गया हूँ। साजिश सर का सेट पे आना, साजिश सर का कमाल, अभी मैं उनको देख रहा हूँ, बड़े खुश मिजाज, हंसमुख, केयरिंग, ख्याल रखने वाले सबका, बिल्कुल। सहर्ष कैसा है, सब ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? उनकी वरदा मैम, सहर्ष वो गले लगाना प्यार से, इतना केयरिंग, इतना केयरिंग। उनके दोनों बच्चे सुभान शुभान है ना, बेहतरीन। उनके मतलब चेहरे देख के ही आप खुश हो जाओगे, खुश हो जाओगे, खुश हो जाओगे, मतलब खुश हो जाओगे, इतने प्यारे बच्चे हैं, स्वीट है, ईश्वर भगवान उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, बिल्कुल चीज़ें लें। तो वो बहुत बहुत कमाल की फैमिली है, साजिश सर, वरदा मैम, उनके बच्चे, उनकी और जितनी भी टीम है, उनके सिस्टर्स से मैं मिला हूँ, उनके उनके तो पूरी फैमिली से मिला हूँ, वरदा मैम की माँ, साजिश सर की माँ, सब वरदा मैम की भाई बहनों से, बहुत बहुत कमाल के लोग हैं, बहुत केयरिंग है, बहुत ह्यूमन इंसान, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं वो, वैसे इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा प्रोड्यूसर, लेकिन इतना डाउन टू अर्थ, आपको ख्याल रखेगा, आपकी तबीयत का, स्वास्थ्य का, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो जिससे तुम्हारी हेल्थ को, करियर को प्रॉब्लम हो, फैमिली लूँ, बहुत बड़ी बात, बहुत केयरिंग है, बहुत नज़र रखते हैं, बहुत 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 अच्छा है, बहुत बड़ी बात है इस लेवल पर रह के ये सारी चीज़ें करना। तो वो छिछोरे में वो सब चीज़ें मुझे बहुत याद आती है। क्या बात है, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन सर? सर हमने अभी तक 6 हॉट सॉसेस कवर कर लिए, हमारे ये सातवां है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ सातवां है, ये है ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हॉट सॉस, टेस्ट करते हैं सर। कैसा लग रहा है आपको, मिर्ची लगी भी? लग रही है, पेट पेट को भी लग रही है अंदर, पावर सारी अलाइव है, आप कभी भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखता हूँ कब तक बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये धीरे से ऊपर बढ़ेगा, धीरे से आएगा, बट आप कर लोगे सर। आपने इतने, जैसे मैंने बताया कि आप जरा ऑब्वियसली आपने इतने सारे वर्सटाइल रोल्स किए हुए हैं, अलग अलग विभिन्न विभिन्न तरीके के, विभिन्न लोगों के साथ में, विभिन्न सिचुएशंस में आपने पूरे रोल किए हुए हैं, कोई ऐसा रोल आपको लगता है कि जो आप करना चाहोगे कि आप इस रोल में भी, क्योंकि अभी तक मोस्टली यू नो आप कहते हैं कि मोर टुवर्ड्स अडवे से मे बी रोमांस के साइड में भी आप थोड़ा और ज़्यादा उस लेवल पे जाना चाहोगे, मोर कमर्शियल रोमांस की तरफ जाना चाहोगे, तो कोई ऐसा कोई ड्रीम रोल है जो, या फिर आप लुकअप करते हो कि यार ऐसा भी करूँगा मैं, मज़ा आएगा? देखो ऐसे बहुत सारे रोल हैं उधर इंडियन फिल्म में भी और उधर भी,
जो मुझे लगता है कि मुझे इतने अच्छे लगे कि मैं विश ही करूँगा काश मैं इसको कर पाता. बिल्कुल मैं इसको कर पाता. बिल्कुल. लाइक जिस तरह बच्चन जी के रोल रहे हैं, हाँ, दिलीप जी ने किए, राजकुमार और देवरन साहब, गोविंदा कर्नल डांस, शाहरुख खान का रोमांस, शाहरुख खान जिस तरह करता है, सलमान, ये आमिर, ये सब लोग मुझे बहुत पसंद हैं. हैं और प्रभास आए बाहुबली में. बिल्कुल. इनको देख के यही तो लगता है कि यार काश ये ऐसा हम भी कर पाए. हम भी कर पाते. सही बात है. हमारा शरीर इतना अच्छा होता, हम इतने सुंदर होते, हमें ऐसा काम मिलता, काश हम ऐसा कर पाते. बिल्कुल. काश हम भी रजनीकांत जैसा काम कर पाते, एक्शन कर पाते. बिल्कुल. हैं. बिल्कुल. मम्मूटी जैसा काम कर. अरे मोहन लाल. हैं. कमल हसन जैसा काम कर पाते हैं. उधर मोहन लाल, उधर साउथ के सब, अभी पुष्पाई थी, इधर रणबीर कपूर का काम एनिमल में देख लो भाई. परफेक्ट. इरफान खान जो भी काम कर किए हैं, नवाज सर, मनोज बाजपेयी सर, परेश रावल, नसीर सर, ओम पुरी, डैनी, अम्बरीश पुरी, ये सब लोग मुझे इतने पसंद हैं जब से वो संभाला है. बिल्कुल. राज कपूर से लेके कि ऐसा लगता है यार काश मुझे भी ऐसे रोल मिलते. बिल्कुल. बिल्कुल. काश मेरे अंदर इतनी क्षमताएं होती. बिल्कुल. कि मैं ये रोल कर पाता. सही बात है. अच्छे से कर पाता, शानदार ढंग से कर पाता, खुद को भी खूब मजा आता और दर्शकों को खूब आनंद आता है. सही बात. सेम सिचुएशन वर्ल्ड सिनेमा में कि आप कितना कलाकारों का अच्छा काम करते हो, देखते हो, जिन्होंने मुख्य किरदार निभाए हैं या सपोर्टिंग रोल्स निभाए हैं, बहुत बढ़िया रोल लिखे गए हैं, बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने किए हैं, तो लगता है काश मुझे भी कुछ ऐसा मिल जाए, काश मेरे अंदर इतनी क्षमता होती तो कि रोल मिले मैं कर पाऊँ. बिल्कुल. और ख़ुद को भी करते वक्त हम उन रोल को उतना सच्चाई के साथ, डेप्थ के साथ, प्योरिटी के साथ हम कर पाएँ. पहली बात तो हम कर पाएँ, वही बहुत बड़ी बात है. दूसरी बात, फिर लोग उसको एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, आनंद दें और आपकी पीठ थपथपाएं कि नहीं आपने किया, आपने मेहनत की. तो ऐसा बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है. ये आप भी समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. कोई ऐसा ड्रीम रोल आप जो अभी चल रहा है, काश वो हम कर पाऊं. अभी कितना कुछ चल रहा है जिसको देख के लगता है काश मैं कर पाता, इस टाइप का कुछ मिलता. आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स किस तरफ ज्यादा रहता है? मोर टुवर्ड्स प्रोटैगनिस्ट की तरफ, मतलब आप रोमांस की तरफ ज्यादा रहता है या फिर थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट वाले में थोड़ा ज्यादा रहता है या फिर कॉमेडी में थोड़ा? आपका इंटरेस्ट एफटीआई से जब शुरू हुआ तो आपको मोर इंटरेस्ट किस पे सबसे ज्यादा था, कौन से जॉनर पे? मुझे लगता है तीनों पे. अच्छा. ओके. ये सारे जॉनर पे मेरा लगभग बराबर है. लाइक रोमांस में भी बराबर है, ड्रामा कॉमेडी में भी बराबर है, ड्रामा में भी बराबर है, वार की फिल्में भी मैंने जबरदस्त बराबर ही देखी है ना. वार है और थ्रिलर हो गई, एक्शन है हो गई, एडवेंचर हो गई, तो ये सारी फिल्में बहुत अच्छी लगती थी. देखो इसका कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ जो भी सिनेमा आप देख रहे हो, चीज़ें हो रही हैं, ये जीवन से ही जुड़ा होता है. सही बात. लाइफ से ही जुड़ा होता है. तो लाइफ में भी आपको सब पसंद होता है. बिल्कुल. आपको रोमांस पसंद है. बिल्कुल. आपको लाइट चीज़ें पसंद हैं, आपको कॉमेडी पसंद है, आपको लड़ाई झगड़ा एक्शन पसंद है, आपको थ्रिलर पसंद है, आपको हॉरर पसंद है, आपको डर है, तो आप ऐसी कोई चीज़ फिल्म में, थिएटर में, सिनेमा में नहीं है जो जीवन से नहीं ली गई है, जीवन के अनुभवों से नहीं ली गई है, एक्सपीरियंसेस से नहीं ली गई है. तो आई थिंक मुझे सब में मजा आता है, सब में देखने में मजा आता है. गॉट इट. और ये सारे रोल्स करने में भी आप तो रुचि रहता है कि ये मिले, काम मिले. वंडरफुल. ये लगता है कि थोड़ा मुझे भी मिले, थोड़ा ज्यादा मिले, बड़ा काम, मेन लीड वाला रोल टाइप का, जिसमें मैं भी थोड़ा लगूं, मेहनत करूं. मेरी भी ख्वाहिश होती है कि कोई फिल्म में अगर 60 दिन का शूट है, 70 दिन का शूट है, तो मैं भी 70 दिन शूट पे जाऊं, रोल करूं, ये कम से कम 40-50 दिन का काम मुझे भी मिले. yes. स्क्रिप्ट को मुझे भी खूब पढ़ना पड़े, रोल पे काम करना पड़े, घर आऊँ तो भी सोचूं लगातार रोल के बारे में, चीज़ों के बारे में, डायरेक्टर राइटर के साथ उठूं बैठूं कि कैसे करना है, क्या करना है. तो वही का उसका मज़ा एक अलग होता है जब आपको कोई लंबा काम मिलता है. बिल्कुल बिल्कुल. और आप उसमें बिजी रहते हो. बिल्कुल. तो ये ख्वाहिश तो मेरी भी है. परफेक्ट. मैं तो प्रे भी करता हूँ कि मुझे कुछ लंबा काम मिले, अच्छा काम मिले, कि मैं उसके
उसमें इन्वॉल्व रहूं, इन्वॉल्व रहूं, परफेक्ट। एक दो दिन के काम में आपका कनेक्शन टूट जाता है, आप गए थोड़ा सा किया निकल गए, आपको पैसे मिले जिससे आपका जीवन चल रहा है मुंबई, लेकिन लंबे काम का अनुभव अलग होता है। लंबे काम का, अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने का अनुभव, राइटर्स के साथ, कैमरामैन के साथ, एक फैमिली टाइप की बॉन्डिंग हो जाती है और एक वो एक कनेक्शन बन जाता है रोल के साथ। ये जो अच्छे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर, कैमरामैन, एडिटर्स, आर्ट डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन डिजाइन, ये सब इनके साथ काम करने का मजा आता है, अलग है। आप सेट पे बहुत कुछ देख के, सुन के, सीख के, बात करके बहुत कुछ सीखते रहते हो उनसे। बिल्कुल, कुछ सीखते रहते हो। गॉट इट। नहीं नहीं, मैं तो बस सर यही विश करूंगा कि हर तरीके के वर्सेटाइल, क्योंकि आप हो ही वर्सेटाइल एक्टर सर, हर तरीके के रोल्स आए आपको, भी मेन लीड वाले, लाइक रोमांस में भी, ड्रामा में भी, थ्रिलर में, सब पसंद, मुझे सब पसंद है, मैं सब करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं जीवन में बहुत तरीके के इमोशन से गुजरता रहता हूँ। बिल्कुल, मैं हंसता भी हूँ, मैं सटायर भी मारता हूँ, मैं रोता भी हूँ, मैं डिप्रेस भी होता हूँ, मैं तनाव में भी आता हूँ, मैं रोमांस भी करता हूँ, प्यार भी करता हूँ, सब सारे इमोशन से मैं गुजरता हूँ। बिल्कुल, तो मैं वो प्ले करना चाहूँगा अच्छे से। नहीं, डेफिनेटली सर, जस्ट विश कि ये जल्दी और मेन लीड वाली मूवीज में हम आपको देखें, एंड मैनिफेस्ट करते हैं हम इसी शो में कि आज हम यहाँ पे बोल रहे हैं, और जल्दी हम मेन लीड वाली शो में आपको दोबारा देखेंगे, मूवीज में दोबारा देखेंगे। थैंक यू सो मच सर। अब हमारा नेक्स्ट वन है द बॉम्ब बियॉन्ड इंसैनिटी। अगर आपने इस हॉट सॉस को क्लियर कर लिया तो बाकी दो तो आराम से कर लोगे, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो हम अपने शो में कहते हैं ये न्यूक्लियर वेपन है, क्योंकि इसका जो टेस्ट आपको जाएगा ना सीधे को पंच टाइप की फीलिंग आएगी अंदर, मुंह के अंदर। तो आर यू रेडी फॉर दिस वन सर? यस यस यस। चलो सर ट्राई करते हैं, आप लीजिए एक। और अच्छी बात यह कि आपकी सारी पावर अभी भी अलाइव है। कैमरा दादा मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे, फिर देख रहे हैं आप हमारा। है कुछ इसमें सर? आपने इतने अपने मल्टीपल जैसे वेरिएशंस भी किए हैं, अपने वर्सेटाइल रोल भी किए हैं, बड़ी फिल्मों में भी काम किया है, कॉमर्शियली सक्सेस एंड नॉट सो सक्सेस वाली मूवीज में भी काम किया हुआ है, आपको क्या लगता है ये सक्सेसफुल मूवीज होने का एक्चुअली में आपके हिसाब से व्हाट इज द रीजन दैट दे आर बिकमिंग सक्सेसफुल, एंड व्हाई नॉट सो सक्सेसफुल मूवीज? मैं नाम नहीं लेने जाऊंगा बट मैं ले ही लेता हूँ, जैसे अगली थी वो कमर्शियली हिट नहीं थी लेकिन क्रिटिकली बहुत अक्लेम्ड थी, तो आपको क्या लगता है कि जो हिट मूवीज है उसका राज क्या है, मतलब वो इतना हिट हो क्यों रही है, और जनरली आजकल जो मूवीज है उसमें भी? इसमें थोड़ा पानी लूंगा। हाँ जी सर। मैंने भी पावर ले लिया गाइस, मैंने भी पावर ले लिया। बर्फ हो गई? हाँ कुछ दो। तो सर जैसे मैं पूछ रहा था कि बहुत सारी मूवीज हैं जो क्रिटिकली अक्लेम्ड होती हैं, बहुत सारी मूवीज कॉमर्शियली सक्सेस होती हैं बट नॉट सो क्रिटिकली वेल गुड, आपको क्या लगता है जो मूवीज हिट हो रही हैं उनका राज क्या है जो क्रिटिकली अक्लेम्ड प्लस कॉमर्शियली सक्सेस भी होती हैं, तो और जो नॉट सो सक्सेसफुल होती हैं आपके हिसाब से क्या लगता है क्यों क्यों नहीं हो पा रही? देखो यार, ये बहुत मुश्किल सवाल है, इसका कोई आप वैसा आंसर नहीं दे सकते हो, कहीं पढ़ा है वो कैसे भी बताया है। मुझे लगता है
क्रिटिकली जो एक्लेम फिल्में हैं जो अच्छी हैं वो तो बहुत बाद की चीज़ें आई हैं, जब लोगों के अंदर सिनेमा की समझ पैदा हुई है, लोगों ने पढ़ना लिखना समझा, इंस्टीट्यूट गए, ये पढ़ाई की है कि क्या अच्छा होता है, क्या बेस्ट शॉट होता है, क्या एडिटिंग है, साउंड है, अभिनय है, डायरेक्शन है, प्रोडक्शन डिज़ाइन है, एनिमेशन है, व्हाटएवर जो भी है, उनके मापदंडों पे कितनी खरी उतरते हुए वो जो पैरामीटर्स हैं और उसके बाद वो अच्छी भी लग रही, तो वो भी फिल्में हैं, ऐसी भी फिल्में हैं जो क्रिटिकली एक्लेम्ड हैं और आम दर्शकों को भी पसंद आई। बिल्कुल, बट कुछ वैसा सिनेमा जब इतना सिनेमा मेकिंग पे उतना फोकस नहीं था, एजुकेशन नहीं थी, सिस्टम में पढ़ाई नहीं थी, तब भी लोगों को सिनेमा अच्छा लगता था। हाँ। तो मुझे लगता है वहाँ पे लोग कनेक्ट करते थे, सीधा भाव से, इमोशन से कनेक्ट किया, चरित्र से कनेक्ट किया, जो भी उनको 70 mm में दिख रहा है, मिजॉन सीन में दिख रहा है, उससे कितना कनेक्ट हुए, कितना रिलेट किए इमोशन से, भाव से, सिचुएशन से, रिलेशनशिप से, स्पेस से कनेक्ट हुए, खुश हुए, रोए, हंसे, गाए, मुस्कुराए, जो भी है। तो मुझे लगता है पहले तो वो सिनेमा आया है जो सिर्फ सक्सेस हुआ है, पसंद किया गया है, सक्सेस मतलब पसंद किया गया, देखा गया है। बिल्कुल, वो बात के बाद नहीं पैसा कितना कमाया जो भी है, लेकिन वो देखा गया है, पसंद किया गया है, लोगों को प्यार है। तो वहाँ हो सकता है उतना थॉट नहीं लगाए गए होंगे, चूँकि उतनी समझ नहीं थी सिनेमा की। बिल्कुल, बट वो दिल से देखी गई, पसंद आई, तो मुझे लगता है वो है। तो अब ये ऐसा कोई कहीं ऐसा लिखा नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है, नहीं तो अगर ऐसा होता है तो शायद लोग ध्यान फिल्में ध्यान में रख के बनाते। हाँ। कि ये फिल्म में ये सब दर्शकों को पसंद आनी चाहिए। आज तक किसी को नहीं पता है क्या है, किसको क्या अच्छा लगे, आप बस बना सकते हो। आपको वो क्रिटिकली क्लेम्ड जो चीज़ें होती है वो भी ध्यान में रख के ही आदमी बनाता है, अच्छे से बनाता है, मेहनत करके बनाता है। दर्शक को क्या पसंद आने वाला है कुछ पता समझ में नहीं आता है। और आपके हिसाब से जैसे अपने राइस में भी काम, मैं भी अपना यही बात अभिनेता के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने आज तक जो भी काम किया है खूब मन लगा के किया है, शिद्दत से किया है, पूरी ईमानदारी से किया है, डूब के किया है, मज़े लेके करने की कोशिश की, आनंद से किया है। मुझे थोड़ी ना मालूम था या आगे होगा कि मेरा कौन सा काम लोगों को अभी पसंद आने वाला है या उसको रिजेक्ट करने वाले हैं, उस पर क्रिटिसाइज करने वाले, मुझे कुछ पता नहीं। मुझे थोड़ी ना मालूम था कि छिछोरे में बेवड़ा इतना हिट हो जाएगा, पसंद करूंगा, लोगों को पसंद आएगा। बिल्कुल, मुझे आश्चर्य होता है, अभी भी लोग बोलते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है, सुपर परफॉर्मेंस। बट वही है, बस मैंने उसको मेहनत से काम करने की कोशिश की, पूरा समर्पित होके मैंने काम किया, राइटर डायरेक्टर पे मैं समर्पित था, वो जो बता रहे थे, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे मैं फॉलो कर रहा था। मुझे नहीं मालूम था फिल्म चलेगी या मेरा रोल पसंद किया जाएगा, बिल्कुल मालूम नहीं था, बट अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी। अच्छा लगता है जब कोई आता है बोलता है बहुत बढ़िया काम किया, एक फोटो ले लेंगे, अच्छा बहुत अच्छी फीलिंग आती है, नो डाउट बहुत अच्छी फीलिंग आती है, मन खुश होता है। इसी के लिए तो काम कर रहे हैं। हाँ, मन खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, अरे वाह वो फिल्म की थी, सफल हुई, लोगों को मेरा काम पसंद आया। यस, और बहुत बड़ी चीज़ है कि इसी के लिए तो हम सब काम कर रहे हैं। वही है, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल परफेक्ट सर। सर कैसा लगा ये? बहुत तगड़ा था, भयंकर था भाई, भयंकर था। ये इसने हिलाया है, कौन सा नंबर था ये वाला सर? ये आठवां। आठवें ने हिलाया भाई, माँ बहन कर दी। काट देना भाई इसको। जाने दो सर। सर आप रेडियो नेक्स्ट वन के लिए? अब ये हमारा नाइन्थ है, ये है ब्रावाडो का एंको मसाला। ये है बेसिकली गरम मसाला काइंड ऑफ सॉस है, सब कुछ नाम इंडियन है लेकिन बना यूएस में। हाँ हाँ, मज़ा आएगा, इसका टेस्ट भी आपको मज़ा आएगा खा के। नाइन्थ वन ट्राई करते हैं सर। अब डर लग रहा है। इसने हिलाया, थोड़ा लेना है ना बस। हाँ हाँ, आप लोग वो सरवाइव कर ले तो बाकी दोनों कर लोगे सर आप। तो सर जैसे
एक अभी कुछ टाइम पहले एक टाइम दौर आया था जहाँ पे 3-4 साल किसी की भी मूवीज नहीं काम कर रही थी फिर 70mm में, फिर कोविड का दौर आया, कोविड के दौर पे OTT एकदम बूम हो गया, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेज़न सब इतना बूम हो गया, वहाँ पे लोग सब ट्राई कर रहे थे मूवीज़ के लिए, लेकिन वहाँ पे भी एक हिट वाला एस्पेक्ट नहीं आया था। फिर अचानक से शाहरुख खान सर के थ्रू जवान, पठान एक इतना मेगा बूम हो गया, एंड देन 70mm का दौर दोबारा वापस आया, लेकिन अभी भी लॉट ऑफ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर अभी भी अपनी तरफ से उनको इतना सुपर पुश करना पड़ रहा है अपनी मूवी को हिट कराने के लिए कि इतना प्रमोशन करते हैं वो, और OTT के आने के बाद में उनको इनफैक्ट और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा। तो आपको क्या लग रहा है ये OTT के आने से प्रोड्यूसर, एक्टर्स और डायरेक्टर्स के लिए कितना डिफिकल्ट हो चुका है अपनी मूवी को मास ऑडियंस तक पहुंचाना? देखो सबसे पहले तो मैं ये यहाँ बोलूँगा कि वो जो कोविड आया वो सबसे बुरा वक्त था, सबके लिए बुरा वक्त। उस वक्त न सिर्फ फिल्म उद्योग पे बुरा असर पड़ा, फिल्म इंडस्ट्री पे बुरा असर पड़ा, सब जगह बुरा असर पड़ा। तो काम तो होते रहना चाहिए, बिल्कुल, अगर काम नहीं होगा, चीज़ें नहीं चलेंगी तो सब कुछ बंद हो जाएगा, लोगों की रोजी रोटी बिल्कुल बंद हो जाएंगी, बिल्कुल। तो मैं सिर्फ सिनेमा की ही बात नहीं कर रहा हूँ, और भी सारा काम कोविड के वक्त तो बहुत सबका ही बंद हो गया, बहुत ही चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई थी, बिल्कुल। लेकिन चलिए हम सिनेमा की बात करते हैं। तो जब शूट रुक गए, हॉल में फिल्में देखना रुक गए, तो काम तो होना चाहिए ना, बिल्कुल। काम नहीं होगा तो लोगों को रोजी रोटी नहीं मिलेगा, कितने हजारों लाखों लोगों का घर इसी से चलता है, बिल्कुल। स्पॉट बॉय से लेके प्रोड्यूसर तक एक लंबी लिस्ट होती है, बिल्कुल, जो लोग फिल्मों में काम कर 150-200 टीम होती है, 300-350 लोगों की टीम होती है, तो सबके घर चलते हैं, बिल्कुल। लोग बच्चे स्कूल जाते हैं, फीस होती है, सही बात, काम चलना चाहिए। तो अगर थिएटर रुक गया है किसी वजह से, तो ये जो प्लेटफॉर्म आए हैं, OTT प्लेटफॉर्म आए हैं, ये अच्छा मौका था, बिल्कुल, अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनी सबके लिए, बिल्कुल, उन लोगों के लिए भी जो एस्टैब्लिश थे, बड़े पर्दे पे काम कर रहे थे, उनके लिए भी अच्छा हुआ, और उनके लिए भी बहुत अच्छा हुआ जो लोग नए थे, जो नया कुछ बनाना चाह रहे हैं, नया कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, तो नए नए राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, सब एक्टर्स आए हैं, और खूब काम हुआ है, खूब एक्टर्स को काम मिला है, खूब अच्छा काम हुआ है, खूब बढ़िया काम हुआ है, खूब शानदार काम हुआ है, तो बिल्कुल ना चाहिए। लेकिन अगर मैं फिर सिनेमा की बात करूँ, पर्दे की बात करूँ, तो मैंने भी लगभग हर जगह चीज़ें देखी, बिल्कुल, मोबाइल पे भी देखा है, हाँ, छोटा बुश TV पे भी देखा है, हैं, बुश टीवी पे बुश टीवी हाँ, देखा है, हाँ जी, सिनेमा हॉल पे भी अपने टाउन में देखा है, आईनॉक्स, सिनेप्लेक्स, मल्टीप्लेक्सेस, बड़े बड़े सिनेमा हॉल, चश्मा लगा के, तो सबका अलग अलग अनुभव है। मोबाइल पे तो अगर मैं पर्सनली बोलूँ, व्यक्तिगत तौर पर, मुझे खुद पर्दे पे जाके फिल्म देखना बहुत पसंद है, भाई मैं FTI में जो मैंने फिल्में देखी, उसके पहले भी मैं अपने लखनऊ में, रायबरेली में, लालगंज में फिल्में देखता था, तो वहाँ तो भीड़ थी, वहाँ तो बातचीत होती थी, बातचीत कर रहे हैं, कुरकुरे भी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, लेकिन FTI में तो जो मेरा अनुभव था वो था पिन ड्रॉप साइलेंस पे आप फिल्में देखते हो, तो ये ना बातचीत है, ना पूर्ण साइलेंस पे, ना कुछ खा सकते हो, ना पी सकते हो, वैसा वाला कल्चर रहा है, तो उसका एक आदत सी बनी हुई थी मेरे अंदर कि पिन ड्रॉप साइलेंस पे फिल्में देखना, फोन बहुत दूर पे रखना, कुछ खाना पीना नहीं। अभी भी मुझे फिल्में हॉल में जाके देखना बहुत पसंद है, मेरा बस चले तो मैं रोज फिल्में देख लूँ, मैं हो सकता है सुबह से लेकर रात तक शो देखता रहूँ, बिल्कुल, एकदम पीछे की सीट ले लूँ, बिल्कुल, और सेंटर सीट ले लूँ बढ़िया आराम से, बिल्कुल, फिल्म को आराम से मजे से देखूँ, डिजायरी, तो उसका तो आनंद अलग ही है, बिल्कुल। लेकिन वो उतना संभव नहीं है, सबके लिए उतना संभव नहीं है, बहुत सारी वजह हैं, सही बात है, वक्त है, पैसा है, आप उतना मैनेज नहीं कर सकते हो, तो
घर के टीवी भी देखा है। सही बात है। लैपटॉप हो गया, टैब हो गया, मोबाइल हो गया, मोबाइल हो गया, सबसे ज्यादा मोबाइल पे ही चलता रहता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उसका मजा अलग है। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज हुई है, फिल्म उद्योग के लिए भी अच्छी चीज हुई है कि शाहरुख खान सर की फिल्म हिट हुई हैं, आई हैं। उनका मैं भी बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, फैन हूँ, मुझे उनका काम बहुत पसंद है। और मतलब जैसे वो बदलाव का दौर लिया है वो एकदम अचानक से, ये बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात है इंडस्ट्री के लिए। बहुत अच्छा हुआ है कि कम से कम अब सिनेमा में फिल्में आ रही हैं, लोग जा रहे हैं देखने। बिल्कुल। तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तभी तो प्रोड्यूसर के हाथ में पैसा आएगा। सही बात है। जब लोग देखने जाएंगे तभी तो फिल्म चलेगी, फिल्म का व्यापार बढ़ेगा, प्रोड्यूसर के हाथ में पैसा आएगा तभी वो लोगों को पैसे दे सकता है ना। सही बात है। सिनेमा बनाओ तो फिल्मों का बनना, चल रिलीज होना, चलना, सफल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, तभी आप दूसरा सिनेमा बना सकते हो। सही बात। मैं तो अभी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ। सही बात है। तो कितना भार होता है उसके ऊपर, खर्च चल रहा है। उसकी फिल्म फ्लॉप हो गई, किसी ने नहीं देखा, तो वो तो बेचारा दूसरी फिल्म बनाने में 10 बार सोचेगा। तो वो जो टीम है 350 की टीम, कितना सबको रोजगार कैसे मिलेगा। सही बात। अगर सारे प्रोड्यूसर बैठते रहे तो फिर कुछ बनेगा ही नहीं। इसलिए फिल्म का अगर सक्सेस हो रही है तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि अभी उस प्रोड्यूसर के हाथ में पैसा आया। बिल्कुल। अब वो चार लोगों को और पैसा दे सकता है। सही बात। लो तुम भी बनाओ, तुम भी बनाओ, लो छोटे बजट का बनाओ, बड़ा बजट बनाओ, ये बजाओ वो ना, वो बहुत सारे जगह पैसे बांट सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है कि लोग सिनेमा में जा रहे हैं। मैं खुद बहुत एंजॉय करता हूँ। 70 mm को बात ही अलग होता है। बात ही अलग, बात ही अलग। हम वही देखते हुए बड़े हुए हैं, अब अचानक से फोन पे देखते हो, मूवी अच्छी रहती है लेकिन वो अगर थिएटर में देखो तो उसका मजा ही एकदम अलग रह जाता है। मैं तो चाहता हूँ मैं भविष्य में अपने घर पे भी कुछ ऐसा करूँगा कि बनाऊंगा बड़ा पर्दा, खुद आराम से बढ़िया फिल्मों को एंजॉय करूँगा। सर हम ये मैनिफेस्ट इसी टेबल पे करते हैं, मैं बता रहा हूँ जल्द ही ये होने वाला है कि मैं वो देखना चाहूंगा। बिल्कुल, वो जल्दी हम ये मैनिफेस्ट हो चुका है, अब ये कायनात का काम है, वो करवाएगी बहुत ही जल्दी सर आपके लिए। सर हाँ, अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी वाली पे। हाँ, आप बहुत सुपर कर रहे हो, मतलब कहते हैं कि प्रॉपर आपने स्पाइस की जंग में आप एक तरीके से ऑलमोस्ट जीत ही गए, बस हमें लास्ट पड़ाव जीतना है। बिल्कुल। चलिए सर अब हमारा लास्ट वाला है मैड डॉग 357। जैसे मैंने बताया था हमारे घर की मिर्चियाँ रहती हैं 3,000 से 5,000 की रेंज में स्पाइस की लेवल पे, यह है 3,57,000। ये उस लेवल की मिर्ची वाला है। और लेकिन मैं बता दूं आपने ये आपने सरवाइव कर लिया ना सर, ये भी आप आराम से कर लोगे। लाओ दो लीजिए सर, पेट अंदर से बोल रहा है क्या खा रहा हो, कड़वा करो। जबान से ज्यादा पेट बोल रहा है। बोलता हूँ। कैसा टेस्ट करता है? बढ़िया। सर आपकी जर्नी फ्रॉम रायबरेली, 22 साल हो चुके हैं आपको इंडस्ट्री में, आपने इतना सब कुछ देखा है अपनी स्टार्टिंग से, और आप उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पे आपके पास नेम है, फेम है और मनी भी है एज कंपेयर टू योर अदर पीपल और मे बी दोस पीपल हु आर स्ट्रगलिंग। तो आप उनसे बहुत आगे हो सर, और सब आपको जानते पहचानते हैं, जैसे बताते हैं एयरपोर्ट में फोटोज खिंचाते हैं, ये सब करते हैं। आपको क्या लगता है, आप उनको क्या कहना चाहोगे जो लोग अभी अपना स्टार्टिंग फेज में हैं, वो क्यों अपने एक्टिंग या डायरेक्शन या प्रोडक्शन की लाइन को ना छोड़ें? बीच में लोग बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, आप टिके रहे, 22 साल टिके रहे सर, आप अभी भी हो, आप उनको क्या बताना चाहोगे एज एन प्रेरणा, क्या देना चाहोगे कि वो क्या करें ताकि वो बीच में ना छोड़ें, और हाउ डू दे स्टिक टू व्हाट दे आर डूइंग? देखो उन सारे बच्चों से या लोगों से या पावर ले रहा हूं दोस्तों से, सबसे पहले मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आप पहले तो अपना पढ़ाई जरूर बहुत ध्यान से कंप्लीट करना, एजुकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन तक तो आपका फोकस होना ही चाहिए पढ़ाई पे। बगैर ग्रेजुएशन के किसी भी अच्छे स्कूल इंस्टीट्यूट में आप एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते हो। ट्रेनिंग तो बहुत बात की चीज़ है।
तो पढ़ाई पे बहुत फोकस होना चाहिए, तो पढ़ाई पे तो इसलिए भी फोकस होना चाहिए कि वो आप ज़िंदगी में जहाँ भी रहोगे, जिस भी लाइन में कभी रहोगे, वो आपको मदद करता है अच्छा जीवन जीने में, अच्छी लाइफ जीने में। एजुकेशन का रोल बहुत बड़ा होता है। तो मैं यही बोलूँगा सबसे कि भाई सर पावर ले सकते हैं, इस फील्ड में आने के लिए आप कम से कम अपना इंटरेस्ट जरूर देखना, रुचि। पानी लेता हूँ। हाँ थैंक यू, बर्फ लीजिएगा। सर तो जैसे अभी के टाइम पे देर आर लॉट ऑफ पीपल यंगस्टर्स जो बॉलीवुड में अपना कदम रख रहे हैं, जो इधर डायरेक्शन में, प्रोडक्शन में, या एक्टिंग में, या स्क्रिप्ट राइटिंग में, लिरिसिस्ट, म्यूजिक, किसी में भी वो काम कर रहे हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे? बिकॉज आपकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग जर्नी है सर, 22 साल से आप इंडस्ट्री में हो, आपने इतना अमेजिंग काम किया हुआ है, जिन लोगों के साथ में लोग सिर्फ सोचते हैं काम करने का, आप उनके साथ में काम किया है, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सुशांत सिंह राजपूत, श्रद्धा शर्मा, इन सब के साथ में, श्रद्धा कपूर, इन सब के साथ में आपने इतना तगड़ा काम किया हुआ है सर, आप उन यंगस्टर्स को क्या प्रेरणा देना चाहोगे और क्या मैसेज देना चाहोगे कि वॉट शुड दे डू टू इन दिस फील्ड, जो आपका अनुभव रहा है, जिससे वो सीख ले पाएँ और उनके लिए हेल्प करें? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ईश्वर का धन्यवाद दूँगा, माता पिता, परिवार, टीचर्स, सबका आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स हैं कि मुझे इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। अब मैं और भी विश कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो मुझे दोबारा फिर से मौका दें अपने साथ काम करने का। और भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो मेरी विश लिस्ट में हैं, मैं प्रे कर रहा हूँ, प्रे करता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिले। मैं उन सब से, उन बच्चों से आने वाले इस फील्ड में, उन दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से यही बोलना चाहूँगा कि इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपने रुचि बहुत देखना है, इंटरेस्ट लेवल, रुचि बहुत देखनी है। मैं बिल्कुल सलाह किसी को इस फील्ड में नहीं देना चाहूँगा जो सिर्फ ऊपर आकर्षण में है, सिनेमा देख लिया या मंच पे देख लिया कि जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा कि मैंने सीखेंगे, बम्बई जाएंगे, चीज़ें हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, धन दौलत शोहरत सब कुछ आ जाएगा, ऐसा है नहीं। ये भी जो फील्ड है बहुत
गहरी फील्ड है, डीप फील्ड है, बहुत पढ़ाई लिखाई की भी इसमें ज़रूरत पड़ती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। मैं फिल्म के हर एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं थिएटर के हर एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो फिल्म डायरेक्शन हो, कैमरा हो, प्रोडक्शन एडिटिंग प्रोडक्शन हो, ऑडियोग्राफी हो, साउंड डिज़ाइनिंग हो, एनिमेशन हो, फिल्म स्क्रीन राइटिंग हो, प्रोडक्शन हो, थिएटर पे भी जाना चाहते हो तो निर्देशन है, एक्टिंग है, लाइटिंग है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग है, सब बहुत बहुत डीप सब्जेक्ट हैं, बहुत किताबें हैं, बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है, टीचर्स बहुत पढ़ने के लिए बोलते हैं, बहुत पढ़ने के लिए बोलते हैं, बहुत प्रैक्टिकल के लिए बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसमें तभी कुछ सीख पाओगे या सर्वाइव कर पाओगे जब आपका इसमें बहुत गहरा इंटरेस्ट हो, बहुत गहरी रुचि हो। जैसे मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे इंस्टीट्यूट में नसीर साहब आए थे और वो एक बोल भी रहे थे इंटरव्यू में कि देख लो भाई, एक्टर अगर बनना है तो अपने अंदर से पूछ लो कि अगर एक्टिंग नहीं करोगे तो मर जाओगे क्या, इतनी तड़प, इतनी इच्छा, इतना सब देख लो अपने अंदर कि तभी आओ, नहीं तो ऊपर ऊपर में कुछ होगा नहीं। यही बात मैं फिल्म या थिएटर या जो भी इस फील्ड में ग्लैमर इन सब में आना चाहती हूँ, पहले तो रुचि देख लें कि कितनी गहरी रुचि है, क्या वो ये काम नहीं करेंगे, अगर फिल्म का जो भी डिपार्टमेंट है, जितना भी डिपार्टमेंट्स है, काम नहीं करेंगे तो रह नहीं पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे या मज़ा नहीं आएगा कुछ भी, ऐसा ऐसा रुचि पहले तो देखें। तो फिर अगर रुचि करेक्ट है, चीज़ें करेक्ट हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी पढ़ाई जो बचपन से लेकर अभी तक अच्छे से कंप्लीट करते हुए, पढ़ाई का कोई ऑप्शन है ही नहीं पूरी दुनिया में किसी भी फील्ड में, कंप्लीट करते हुए आपको कोशिश करनी है कि इस फील्ड में जिस भी विधा में आपको जाना है उसका आप अच्छे से प्रॉपर पढ़ाई लिखाई करिए, कहीं से भी करिए, हिंदुस्तान में कहीं से भी, विदेश में कहीं से भी, जहाँ भी आपके पास पैसा है, रुपया है, योग्यता है, जहाँ से भी आप, लेकिन ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। बगैर सीखे विखे बम्बई में मत आइए, मामला गड़बड़ा जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, आपका वक्त बर्बाद हो जाएगा, यहाँ बहुत भीड़ है, यहाँ भीड़ बहुत है, लोग बहुत हैं, लोगों के लिए काम बहुत थोड़ा सा है। इस फील्ड का नेचर ही ऐसा है, जैसे आप और फील्ड देख लीजिए, हर साल कितने इंजीनियर निकलते हैं, मेडिकल स्टूडेंट निकलते हैं, IAS, IPS, लॉयर्स, टीचर्स सब निकल रहे हैं, तो उनके लिए एक इंतज़ाम है प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में, जगहों पे, हॉस्पिटल्स में, जगह जगह जगहों पे, कि उनको जॉब मिलेगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगी, छोटे से लेके बड़े स्तर तक कहीं तो मिलेगी, उनका जीवन शुरू हो जाता है, कम सैलरी है, ज़्यादा सैलरी, कहीं तो शुरू होता है। इस फील्ड का नेचर बड़ा बिल्कुल अलग है, यहाँ पे भीड़ बहुत है, ट्रेंड अनट्रेंड सब भीड़ बहुत है, लेकिन काम बहुत कम है, काम थोड़ा है, अब वो फील्ड का ही नेचर है तो बहुत थोड़ा काम है, तो जब बहुत थोड़ा काम आता है, पता नहीं कब कैसा किस वक्त आपके लायक कोई काम आए, तो जब आपको वो काम मिलता है उसके भी तमाम प्रोसेस हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, एक्टर्स के प्रोसेस अलग हैं, डायरेक्टर, कैमरा, सिनेमाटोग्राफी, ऑडियोग्राफी, सब के अलग अलग प्रोसेस हैं। तो अगर आपको अपना काम अच्छे से आता है, आप ट्रेन हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे गुरु, इंस्टीट्यूट, ग्रुप्स, थिएटर ग्रुप्स की मदद आप रहे हैं, तो वो काम की काफ़ी हद तक संभावना बनती है कि वो काम आप अच्छे से कर पाए कर सकते हैं, ज़रूरी। इसलिए मैं यही बोलूँगा सबको कि आप अपनी पढ़ाई पे खूब फोकस करिए, इंटरेस्ट देखिए, सबसे पहले इंटरेस्ट, देन पढ़ाई, देन ट्रेनिंग, खूब ट्रेनिंग, मन लगा के ट्रेनिंग लीजिए, पहले पढ़िए, सीखिए, समझिए इस आर्ट को, इस क्राफ्ट को अच्छे से समझिए, हर पहलू को, तब कहीं बॉम्बे आइए, शिफ्ट होइए, उसके बाद आप फाइट करिए, लगिए, फिर भी आपको खूब धैर्य की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, और
अपनी तबीयत का ख्याल रखते हुए, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हुए, खुश रहते हुए, प्रसन्न रहते हुए, मस्त रहते हुए आपको अपने काम को अंजाम देते रहना है, देते रहना है, जहाँ करते रहना है। ये एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस, बहुत लंबा अनंत वाला प्रोसेस। बस आपको लगे रहना है और लगातार सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है। जिससे भी मिले सीखते रहो, इधर उधर 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 उधर। सीखने का प्रोसेस कभी बंद नहीं करना है, सीखते रहना है, काम ढूंढते रहना है, करते रहना है, और खुश रहना। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, खुश रहना इस शहर में, खुश रहना, प्रसन्न रहना, स्वस्थ रहना। खासकर मैं मेंटल हेल्थ की भी खूब बात कर रहा हूँ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ खूब भी बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। तभी आप खुश रह पाओगे, तभी फिर आप आगे सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो आप उलझ जाओगे, आप बिल्कुल उलझ जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से यू नो उनको बहुत सीखने को मिलेगा। एंड आज का एपिसोड सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमने माउंटेन चढ़ लिया है, माउंट एवरेस्ट हमने क्लाइम कर लिया है, बिकॉज वी हैव जस्ट सर्वाइव्ड, यू हैव जस्ट सर्वाइव्ड ऑल द 10 हॉट सॉसेस एंड इंडिया का स्पाइसीएस्ट हॉट शो। गजब भाई, मेरा भी कमाल का एक्सपीरियंस था, इतना तीखा तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया सर। यहाँ की तो हालत छोड़ो, यहाँ यहाँ पेट की हालत गजब। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई, बहुत ही अच्छा लगा आप आए, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही आनंद था। और ये मैं ज़रूर, मेरे को मालूम है कि इस शो के थ्रू माध्यम से लोगों का एक्सपीरियंस आपके बारे में, आपके मूवी के बारे में, एंड आपने जो 22 साल में जो किया है उससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आई एम श्योर पीपल विल लर्न अ लॉट, एंड एंटरटेनमेंट भी था इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट। थैंक यू सो मच भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया इस शो के लिए, बहुत बहुत आभार। मुझे भी बहुत मज़ा आया भाई साहब, कैमरा भाई साहब इधर वो इधर, पूरी लंबी टीम है, बहुत मज़ा आया भाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड हमारे घनिष्ठ मित्र शौर्य के थ्रू हम लोग मिले थे, तो हाँ शौर्य कतिया के थ्रू मिले थे, तो दोबारा हम पर्सनली भी कनेक्ट करेंगे। एंड वो आपको बड़ा याद कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि एक बार मैं आपको शो में बताऊँ कि मैंने उनको याद किया था, आपके थ्रू किया था, तो विच इज़ गुड। And for you guys, thank you so much for watching the Lean Guys Show. This is Saharsh Kumar Shukla sir. इतना मजा आया आज के शो में, मैं मजाक नहीं कर सकता, it is so fucking amazing. Seriously, इतना entertainment, इतना spice, और वैसे इनका spice tolerance बहुत है, to be frank. तो thank you so much guys for watching. And for all those who wants to be on our show, अगर आपको लगता है कि आप spice challenge conquer कर सकते हैं, do comment us, do messages on YouTube, do messages on Instagram, do comment us, reach out to us, and let's see if you are able to conquer this spice challenge. Thank you guys for watching. This is the Lean Guys Show. My name is Amal, and signing off from Saharsh Kumar Shukla sir. Thank you, subscribe and bye. Perfect.